हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो कप्तान साहब, कैसे हैं सब लोग? ग्रेट। चलिए भाई, तो हम डिस्कशन कर रहे थे ग्राफ पे, इफ यू रिमेम्बर। और कल सबसे पहले हमने बात की थी ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। यस यस, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इफ यू रिमेम्बर। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। हमने वो भी समझा था ऑर्डर के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है, और किसी भी ऑर्डर को कैसे पता लगाएं कि वो वैलिड ऑर्डर है कि नहीं है। एंड सेकेंडली, जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट आइडिया था, वो हमने स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम भी रन करके समझा था कि किस तरह से अगर आप चाहें उस मेथड को पूरा सिमुलेट करना तो आप कर सकते हैं। डू यू रिमेम्बर दैट? बहुत अच्छे। तो उसी से रिलेटेड अब एक आइडिया है, जरा इसको एक बार आप ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। लुक एट दिस। नाउ दिस इज नॉट अ गेट क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। जरा एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करिए और बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एंड इनवैलिड बीएफएस ट्रेवर्सल सीक्वेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एंड इनवैलिड बीएफएस ट्रेवर्सल सीक्वेंस? वेरी गुड। कुछ लोगों ने ऑब्वियसली ट्राई भी किया होगा पहले से, विच इज वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया, अभी एक बार जल्दी से ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं। ठीक है, आई थिंक तो ज्यादातर तो लोगों का ऑब्जर्वेशन सेम आ रहा है, जिनका मानना है दैट बी और सी जो है वो वैलिड है और ए और डी इनवैलिड है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ, सो दैट जहां भी आपको लगे या जिस स्टेज में आप समझ जाओ कि सर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, वहां पर आप पॉइंट आउट करके मुझे बता सको। यस, सो देयर इफ आई स्टार्ट फ्रॉम वन, सबसे पहले मान लीजिए मैं वन विजिट किया, चलेगा। अब वन के दो नेबर है, थ्री और टू में किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो वन के बाद हम थ्री में गए और थ्री के बाद अपन टू पे गए, सो इधर भी ओके है। अभी थ्री के बाद अगला नंबर आना चाहिए था सिक्स और सेवन का, बट यहां पर पहले टू से जो कनेक्टेड है उनका नंबर आया। क्या आप ये प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं? क्या थ्री और टू में हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था? अगर वो चाहता तो पहले टू को फिर थ्री को भी प्रोसेस कर सकता था, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? लेकिन उसकी अपनी कॉल थी। खैर, उसने पहले थ्री को प्रोसेस किया, लेकिन अब क्योंकि पहले थ्री को किया है तो पहले थ्री का चिल्ड्रन यानी कि पहले सिक्स और सेवन आएगा, उसके बाद फोर एंड फाइव आएगा। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? पहले सिक्स और सेवन आएगा, उसके बाद फोर एंड फाइव आएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया था, तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। अच्छा, डी भी आप बोल रहे हैं गड़बड़ है। डी में क्या गड़बड़ है अगर उसको मैं एक बार देखूं तो? वट इज देयर रॉन्ग इन डी? सो वन इज देयर, देन वन के बाद आपने किया टू एंड आपने किया थ्री, और यहाँ उल्टा प्रॉब्लम कर दिया, इजंट इट? तो वन के बाद टू है, तो टू के जो चिल्ड्रन है, और फाइव और सेवन तो ये दोनों अलग अलग जगह चले गए। तो क्योंकि आपने पहले टू किया है, तब आपको फोर और फाइव को पहले कवर करना है, जो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं किया गया है। इस वजह से बिना किसी कंफ्यूजन के मैं ऑप्शन डी को भी हटा सकता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। बिना किसी गड़बड़ी के ऑप्शन डी को भी हटा सकते हैं। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, इन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखोगे बी और सी को, तो आपने स्टार्ट किया ए से,
यानी कि वन से, और वन के बाद आपने पहले थ्री किया, फिर टू किया। अब पहले थ्री किया तो थ्री के चिल्ड्रन सिक्स और सेवन आपने पहले लिखे हैं, उसके बाद टू के चिल्ड्रन फोर और फाइव लिखे हैं, और ऑब्वियसली उसके बाद सेवन से आपने एट को ट्रेवर्स कर लिया होगा। तो परफेक्ट ऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वन से पहले टू, फिर थ्री, टू से आप पहुंचे फोर और फाइव पर, थ्री से आप पहुंचे सिक्स पे और सेवन पे, और लास्ट में फाइव से आप पहुंच रहे हैं एट पे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो मुझे एक बार बताएं, कम से कम ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन में क्या किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है क्या, एज फार एज BFS ट्रेवर्सल इज कंसर्न? एल्गोरिदम हमने किस तरह से रन किया और कैसे वो प्रोसेस कर पा रहा है, क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? एल्गोरिदम अगर किसी भी ग्राफ पे आप रन करेंगे किस तरह से प्रोसेस करेगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं चलता हूं इसके रिवर्स अप्रोच पे, और जो दूसरा आइडिया है दैट इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च, है ना? तो अगेन इफ आई आस्क यू, यहीं पे एग्जांपल से अगर मैं पूछूं डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है या कैसे काम करता, तो क्या बताएंगे? व्हाट इज DFS? तो DFS के अंदर क्या हम ऐसा ही करते हैं, पहले एक्स डिस्टेंस तक जाते हैं, फिर एक्स प्लस वन, फिर एक्स प्लस टू, जैसे BFS कर रहा था? नहीं, वेरी गुड। तो जैसे ज्यादातर लोग बोल रहे हैं हम स्टैक यूज करते, कहने का मतलब है हम किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, मैं काम करता हूँ बिल्कुल सेम ग्राफ बट विद डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस, एक बार स्टडी करते हैं। और इस बार आप 1 मिनट ट्राई करो और मुझे बताओ इसमें से कौन कौन से वैलिड DFS ट्रेवर्सल है। वैलिड DFS ट्रेवर्सल एक बेसिक आइडिया तो आपको है, उसको जरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कुछ बात हमें समझ आती है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एंड इनवैलिड DFS ट्रेवर्सल सीक्वेंस? उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम भी रन करके पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये बेसिक लॉजिक क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो शायद ज्यादातर लोग बोल रहे हैं ए और बी वैलिड है और सी और डी इनवैलिड है, इसका मतलब या सी और डी अभी कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं तो अभी अभी तो मैंने मेरे को बताया भी नहीं है, मैं तो बस एक मौका दे रहा हूँ सो दैट आप ट्राई करो और देखो कुछ ए बी सी डी कुछ भी समझ आता है कि नहीं। चलिए लेट मी गो वन बाय वन, और वेरी गुड आदर्श, लेट मी गो वन बाय वन, फिर जो कंफ्यूजन जो गड़बड़ी होगी मुझे बताइएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने लिया वन, वन हमने प्रोसेस किया, वन के बाद बोल रहा है थ्री एंड सेवन। तो वन से अब यहां पर क्या है, मैं अगर सबसे साधारण भाषा में आपको समझाऊं, आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवर्स करते जाना है और जब तक पॉसिबल हो तब तक बैक ट्रैक करना है कि नहीं करना है? ऑब्वियसली कोई भी बैक ट्रैक क्यों करेगा, हम मुड़ के पीछे अपने ही रास्ते पे वापस कब आते हैं मुझे बताओ? हमें घूम के वापस अपने रास्ते पे कब आना पड़ेगा, जब आगे जाने का ऑप्शन ना हो, इजंट इट? तो आपको तब तक आगे बढ़ते जाना है जब तक आगे जाने का ऑप्शन मिल रहा है, अदरवाइज बैक ट्रैक नहीं करना। बस ये एक साधारण सा अप्रोच है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अब देखिएगा वन आया, वन के बाद वन से हम आगे बढ़े, हम पहुंचे थ्री तक, चलेगा। थ्री से पहुंचे फर्दर आगे सेवन तक, ये भी चलेगा। रैंडमली आप कहीं भी घूम सकते हैं, फिर आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए, चलते रहिए चलते रहिए। सेवन से कह रहा है एट पे जाना है, ये भी चलेगा। एट के बाद कहाँ जा रहा है, फाइव पे, दिस विल ऑल्सो गो। फाइव के बाद आगे कहाँ जा रहा है, टू पे, दिस इज ऑल्सो गो। और टू के बाद आगे कहाँ जा रहा है, फोर पे। क्या अभी तक इसको कहीं पर भी गौर करिएगा बैक ट्रैक करने की जरूरत पड़ी?
जरा ऑब्जर्व करके बताओ। नहीं, अभी तक कहीं भी इसको बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो बहुत परफेक्ट तरीके से स्ट्रीमलाइन होके ये चल रहा है ना। लेकिन उसके बाद हमें नजर आ रहा है 6। अब प्रॉब्लम क्या है, या ऑब्जर्व करिएगा, क्या मैं इससे आगे बढ़ सकता हूं? नहीं। तो अब मैं जिस रास्ते से आया था, क्या मैं उसी रास्ते से वापस जाऊंगा, मुझे बताएं? जी हाँ, तो मैं वापस चलना शुरू कर रहा हूं, तो गौर करिएगा। मैं लेट मी चेंज द कलर। तो 4 से मान लीजिए मैं वापस 2 पे पहुंचा, और 2 से पहुंचा, अभी यहां पे कोई अनविजिटेड नोड है? नहीं, 2 ने मना कर दिया। फिर 2 से मैं 5 पे पहुंचा, फिर 5 से मैं 8 पे पहुंचा, और हाँ, 8 पे जाके बात समझ आ रही है कि देयर इज अनविजिटेड नोड, और वो है जनाब 6। तो फाइनली 8 मुझे बोलेगा कि सर 6 को और ट्रेवर्स कर लो। तो 1 3 7 8 5 2 4 एंड 6, नाउ दिस इज अ वैलिड पॉसिबल ऑर्डर। एक बार मुझे बताएं, अभी पूरी पूरे पूरा आइडिया फॉलो कर पा रहे क्या, वन बाय वन, वैल्यू बाय वैल्यू? यस, बहुत अच्छे। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट आइडिया था, जिसको ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। अच्छा, आप लोग क्या बोल रहे हो, बी भी वैलिड है? यू आर सेइंग ऑप्शन बी इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, तो फिर मैं बी पे नहीं जाता, मैं बी को नहीं प्रोसेस करता। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, और मैं जरा एक बार ट्राई करता हूँ। कहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ? ऑप्शन सी पे। सर जब रिटर्न गए 6 पर नहीं समझ, कोई बात नहीं, अभी दोबारा देखिएगा, अभी तो बहुत सारे ऑर्डर ट्रेवर्स करने हैं। मैं ऑप्शन सी जरा चेक कर रहा हूँ। 1 से अपन ने स्टार्ट किया, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो अलग अलग रैंडम सीक्वेंसेस लिखी हुई है। 1 के बाद आप पहुंचे 3, यहाँ गौर करिए। 3 के बाद पहुंचे 6, और अब गौर करिएगा, 6 के बाद बोल रहा है 7। बताओ क्या कुछ गड़बड़ है, कुछ अनयूजुअल नजर आ रहा है, या आगे बढ़ता चलो? ये देखो, ऑप्शन सी देखो, दो चार एग्जाम्पल सही, दो चार एग्जाम्पल गलत। जब ऑब्जर्व करोगे आपको बात समझ आने लगेगी। 1 से कह रहा है 3 पे जाओ, 3 से कह रहा है 6 पे जाओ, बट 6 से कह रहा है 7 पे जाओ। नो, दैट इज नॉट करेक्ट, इजंट इट? वो क्यों करेक्ट क्यों नहीं है? हमने क्या रूल समझा था, जब तक पॉसिबल है तब तक बैक ट्रैक करना है या आगे बढ़ते चलना है? वेरी गुड, वेरी गुड। जब तक पॉसिबल है तब तक बैक ट्रैक नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना। जी हाँ, पर यहां पर इसने बैक ट्रैक किया, जो समझ आ रहा है, जिसकी टेक्निकली कोई जरूरत थी नहीं, तो इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग मूव। अब एक बार मुझे बताएं, कुछ लोग फिर बाद में बोलते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा डाउट है, सी में क्या गड़बड़ है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? क्या सी में क्या गड़बड़ है, क्या ऐसा समझ पा रहे हैं? है ना, वेरी गुड। जब तक पॉसिबल आगे बढ़ते जाना है, पॉसिबल नहीं होगा सिर्फ उस केस में बैक ट्रैक करेंगे। हाँ, 7 नहीं होना था, तो मैं यहीं रुक जाता हूं। जरा बताइए डी में किस स्टेप पे गलती हुई है? अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो मुझे साथ साथ बताइए, डी में, ऑप्शन डी में कहां गलती हुई है? 4 5 में ऐसा बोल रहे हैं। ओके, मैं जरा चेक करता हूं। तो फिर वही उसी तरह का बिल्कुल सिमेट्रिक गड़बड़ है। 1 से आप गए 2, 2 से आप गए 4, और 4 से कह रहा है 5। नाउ 4 से 5 जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता आपको नजर आ रहा है क्या? एक बार देखो, सोचते हैं, एक बार और इन्वेस्टिगेट करते हैं। 4 से 5 जाने का मतलब है कि इसने 4 से 2 पे बैक ट्रैक किया और 2 से 5 पे गया। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, मुझे बताओ? 4 से 5 पे जाने का मतलब है, डायरेक्ट रास्ता तो है नहीं। तो समझ आता है कि ये भाई साहब 4 से 2 पे गए हैं, और फिर शायद 2 से 5 पे आए हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज अभी आगे मैं बढ़ता तो 4 से डायरेक्ट 8 पे जा सकता था। इस वजह से अगेन ये मूव मुझे गलत समझ आ गया। सो आई कैन डायरेक्टली से यस, डी इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड ऑप्शन। सो सी और डी वैलिड नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं कि सब लोग? यस, रिलेटेबल है? ओके ओके, नाउ 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 लेट मी कम टू ऑप्शन बी। अब एक बार जरा देखिएगा, ऑप्शन बी पे आ जाता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ। ऑप्शन बी
में क्या सही या क्या गलत है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना रहे। वन से कह रहा है टू पे जाएंगे, टू से कह रहा है फाइव पे। अब आप मुझे बताएं जरा एक बार, वन से इसके पास टू या थ्री दोनों में से कहीं भी जाने का ऑप्शन था? एक्सक्यूज मी, फ्रॉम वन क्या ये टू थ्री कहीं भी जा सकता था? जी हाँ, ओके फिलहाल ये टू पे गया। टू के बाद अगेन क्या फोर और फाइव का चॉइस था? टू के बाद क्या अगेन फोर और फाइव का चॉइस था? जी हाँ, उसकी इच्छा थी तो वो फाइव पे गया। फाइव से कह रहा है एट पे जाऊंगा, एट से कह रहा है सिक्स पे जाऊंगा, सिक्स से कह रहा है थ्री, और थ्री से कह रहा है सेवन। एक बार जरा मुझे बताएं क्या यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? पिछली बार कुछ लोग को डाउट रह गया था, सेम तरह का लगभग लगभग प्रोसेस था। मैं यहीं पर रुक रहा हूं, जब तक पॉसिबल है मैं आगे बढ़ता गया, ठीक है? अब मुझे बताएं सेवन से, सेवन से एट से फोर पे जा सकता था? हाँ बिल्कुल जा सकता था, लेकिन फिलहाल वो एट से सिक्स पे गया था। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है कार्तिक? वो जा सकता था बट वो गया नहीं, है ना? फिलहाल वो सिक्स पे गया था, और वो भी कोई नुकसान का सौदा नहीं था, क्योंकि सिक्स से फिर थ्री का रास्ता मिल गया, थ्री से सेवन का मिल गया, ठीक है? अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो बताओ, अब अगर फोर तक पहुंचना है तो क्या सेवन से पहुंच पाएंगे? नहीं। तो अब आप जिस रास्ते से आए थे ठीक उसी रास्ते से उल्टा वापस जाना शुरू करेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अब गौर करिएगा, सेवन से वापस जाएंगे थ्री पर, क्या थ्री से आपको आगे कोई अनट्रेवर्स नोड मिला? सेवन से एट पे नहीं। अच्छा मैं, हाँ मैं आपकी बात जेन्युइन है श्याम, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम जिस रास्ते से आए थे एग्जैक्टली उसी रास्ते से बैक ट्रैक क्यों कर रहे हैं? श्याम पूछ रहा है सेवन से डायरेक्ट चले जाओ, अभी आप समझिएगा हम इस, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ स्टैक, बिकॉज ऑफ फंक्शन कॉल। अभी आप समझोगे ये फंक्शन कॉल है जो उसी रास्ते से वापस आएंगे जिस रास्ते से गए थे, है ना? सो दैट इज द रीजन मैं सेवन से डायरेक्ट नहीं जा सकता, मेरे को वही रास्ता बैक ट्रैक करना है। लेकिन हर बैक ट्रैक करने के बाद मुझे रुक के सोचना है क्या थ्री के ऊपर अब मैं बैठ के कोई ऐसा नोट देख पा रहा हूं जो विजिटेड नहीं है? नहीं। तो फिर मुझे दोबारा एक स्टेप और बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? बैक ट्रैक तब तक करते जाएंगे जब तक हमें कोई अनविजिटेड नोट दोबारा ना मिले। मैं सिक्स पे आके फिर पूछता हूं क्या कोई अनविजिटेड नोट है? नहीं। मैं फिर वापस आऊंगा एट पे और एट पे आके पूछूंगा क्या कोई अनविजिटेड नोट है? जी हाँ। कौन है? फोर है। तो नाउ आई गो टू फोर और फिर देखिए वही प्रोसेस, फोर तक तो जाऊंगा तो ये लास्ट स्टेप तो मुझे मिल गया, बट क्या फोर से आगे जाने का कोई रास्ता है? नहीं। तो फोर से मैं फिर बैक ट्रैक करूंगा एट पे, एट तक मैं कैसे पहुंचा था? फाइव से। और अब शायद बैक ट्रैक करते करते मैं रूट पे पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई भी अनविजिटेड नोड नहीं मिलेगा, है ना? और डीएफएस में अगर आप बैक ट्रैक करते 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 कहां तक पहुंच गए दोबारा रूट तक, तो इसका मतलब क्या यू नो प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपने ट्रेवर्स कर लिया है? जी हाँ, यही आइडिया है बस, और कुछ नहीं है। अब मुझे बताएं एक बार, पूरा आइडिया विद वैल्यूज फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो बताओ। अभी फिलहाल अभी मैंने रन करना नहीं सिखाया है, लिंक से कोई मतलब नहीं है। देखिए जब हम ट्री ट्रैवर्सल की यहां पर बात कर रहे हैं, बल्कि ग्राफ में बोलना चाहूंगा, तो मुझे एक बार जल्दी से बताएं हम किसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, नोड्स को या एजेस को? वेरी गुड। तो वैसे हम बोल रहे हैं ट्री ट्रैवर्सल या ग्राफ ट्रैवर्सल, बट टेक्निकली वी आर ट्रैवर्सिंग द नोड्स, सो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता या मैं इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं कि मैंने सारे वर्टिसेस ट्रैवर्स किए कि नहीं किए, सारे एजेस ट्रेवर्स किए कि नहीं किए। बिल्कुल वो हो सकता है कि फ्यू ऑफ द एजेस रिमेन अनचेक्ड। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अच्छा अभी मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको वन बाय वन रन करके दिखाता हूं और आपको देख के लगेगा यार ये कितनी सिंपल बात थी और कैसे हम सोच पा रहे थे। नाउ लुक एट दिस,
तीन चार लाइन का सिर्फ आइडिया है डीएफएस का, बिकॉज आप जानते हैं ना रिकर्शन इज प्रोग्रामर फ्रेंडली और मशीन फ्रेंडली. रिकर्शन इज प्रोग्रामर फ्रेंडली, आपको कुछ ज्यादा तो लिखना नहीं है, आपको रिकर्सिव प्रोसेस में काम शुरू करना है, बाकी वो अपने लेवल पे खुद उसे हैंडल करेगा. तो मैं काम करता हूँ अभी, ये जो ग्राफ हमने किया था अगर आपको पसंद आया हो तो मैं सेम ग्राफ बनाता हूँ पूरी प्रोसेस आपको समझाने के लिए, और उससे आई थिंक लॉजिक एक और नेक्स्ट लेवल पे आपको क्लियर होगा. बहुत बढ़िया. टिक 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 टिक. फॉलो कर पा रहे हैं यहां तक? सेम ग्राफ है. अच्छा, अब मैं कल आपसे एक बात पूछ रहा था, और अभी यहां पर देखिए इस पूरे कोड में कहीं पर आपको स्टैक दिखा नहीं, बट रिकर्शन मीन्स इट इज स्टैक, इजंट इट? तो मैं पूरी प्रोसेस समझाता हूं. क्या यही काम अगर आप बाय इटरेशन करेंगे, लूप लगा के करेंगे, तो क्या आपको स्टैक यूज करना पड़ेगा? हाँ. तो ओनली जस्ट फॉर डेफर्स सर्च, ओनली जस्ट फॉर डेफर्स सर्च में ये काम आपको दोनों तरीके से करना सिखाऊंगा. एक बार हम सॉल्व करेंगे डेफर्स सर्च इटरेशन से, जहां पे स्टैक का यूज करेंगे, और एक बार सॉल्व करेंगे डेफर्स सर्च रिकर्शन से, जहां पर ऑब्वियसली फंक्शन कॉल मैं कर रहा हूं तो वहां पे मुझे यू नो स्टैक यूज करने की जरूरत नहीं है. मतलब बाय डिफॉल्ट मैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे ही काम कर रहा हूँ. मुझे अलाउ कर रहे हैं क्या? मैं दोनों तरीके से ट्राई करने की कोशिश करूं, सो दैट एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी अपने को मिले. पार्थ अलग लेवल पे खेल रहा है, कह रहा है बाउंडेड ही होगा ग्राफ हमेशा डीएफएस के लिए. अनबाउंडेड ग्राफ, बाउंडेड ग्राफ होता क्या पहले ये बताओ फिर. मैंने तो बोला नहीं ना, मैंने पढ़ा. आप बताओ भाई, बाउंडेड ग्राफ का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? ये लेटेस्ट का हैंगओवर तो नहीं है? हाँ भाई, नहीं नहीं हाँ मैं बोल रहा था कि दोनों तरह से प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे. वो क्या हुआ वो आप समझ गए ना, बाउंडेड अनबाउंडेड की बात नहीं करना. ग्राफ में हद से मैंने एक डिस्कशन जरूर किया स्टार्टिंग में, जब मैं ट्रेवर्सल की बात करूंगा तो मैं ग्राफ फाइनाइट लूंगा कि इनफाइनाइट, ये मैंने बोला. इफ यू रिमेम्बर, मैं फाइनाइट ग्राफ लूंगा बिकॉज ऑब्वियसली इनफाइनाइट पर ट्रेवर्स करने का कोई मतलब बनता नहीं है, है ना? उसके अलावा बाउंडेड अनबाउंडेड का यहाँ कोई लेना देना नहीं है. ओके चलो ठीक है, इस बात को ही करते आगे बढ़ते हैं. अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप मुझे बताओ किस नोड पे फंक्शन कॉल करूं. क्या यहाँ पे कोई रूट होता है? क्या नहीं, रूट तो होता नहीं है. आप जिस वर्टेक्स से चाहो उससे मैं चालू कर सकता हूँ. बताओ किस से स्टार्ट करूं? 2 से 1 से 6 से 1 से 4 से 5 से 2 से 2 से 4 से. क्या बात है, सारे कॉम्बिनेशन बना दिए. चलो एक काम करते हैं, अलग अलग ऑप्शन देखते हैं, बट टू मेक द थिंग सिंपल पहली बार 1 से ही करता हूं. बीच से करूंगा ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे. पहली बार 1 से करता हूं, उसका सेकंड अटेम्प्ट एक बार और कर लेंगे अगर आपका मन करेगा, जिससे आप बोलोगे उससे शुरू करूंगा. So now let me call the function as d, let me call the function as d, और मैंने 1 पे कॉल किया. अब देखिए जैसे ही कॉल करते हैं, बताओ स्टेप नंबर 1, बोलते चलना है ताकि कोई स्टेप छूटे ही ना, कुछ गड़बड़ी ना करो. विजिट ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू 1, एक तरीके से ये याद रखना है कि वो वर्टेक्स आपने विजिट कर लिया. तो इस पर दो लाइन बना दूं, जस्ट कट कर दूं इसको, यानी कि मान लेते हैं कि हमने इसको विजिट कर लिया, मार्क कर दिया, विजिटेड है भाई. एक तरीके से मान लीजिए हमारी आर्मी आगे बढ़ रही है
और अलग अलग सिटीज हम कैप्चर करते जा रहे हैं। तो सिटी नंबर वन जो है हमारा हुआ, विजिट कर लिया वन को, फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल एक्स एडजेसेंट टू वी, वो सारे एक्स जो हमारे इस वर्टेक्स वी से एडजेसेंट है, आप बताएंगे कौन कौन है? दो है, एक है टू एक है थ्री, है ना। मेरे को दोनों पे जाना है, लेकिन पहले क्या चेक करना, इफ एक्स इज नॉट विजिटेड, अगर वो विजिटेड नहीं है तो मुझे उस पर भी फंक्शन कॉल करना है। तो मैं भी एक मिनट रुक के पूछ लेता हूं, फिलहाल वन के दो एडजेसेंट नोड है टू और थ्री, क्या मैं सही बोल रहा हूं? फिलहाल वन के दो एडजेसेंट नोड है टू और थ्री, दोनों में से क्या कोई विजिटेड है? नहीं है, अभी दोनों में से कोई विजिटेड नहीं है, ठीक है। तो दोनों पे ही फंक्शन कॉल होगा, ये समझ पा रहे हैं आप? हाँ, पहले किस पे करूं? अब अगेन मुझे बताइए, क्या ये एक रैंडम डिसीजन है, पहले किसी पे भी कर सकते हैं? जी हाँ, ठीक है। तो आप क्योंकि बोल रहे हो, इसलिए मान लीजिए पहले मैं फंक्शन कॉल कर देता हूं टू पर और फिर फंक्शन कॉल कर रहा हूं थ्री पर, क्या चलेगा क्या ऐसा? लेकिन जस्ट टू मेक द आइडिया कंप्लीट, मैं दोनों कॉल यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या थ्री पे कॉल का कभी नंबर आएगा या पहले टू का कॉल आगे बढ़ेगा? रिकर्शन वाला आइडिया, ट्री से हम ऑब्जर्व करते हैं, तो थ्री का नंबर आना नहीं है, मैं टू से ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं फिर दोबारा जब टू पे कॉल करूंगा तो स्टेप नंबर वन क्या होगा, सबसे पहले आप टू को विजिट करेंगे। तो ये लीजिए, सिटी नंबर टू भी हमारा हुआ, यस। अब आप जरा मुझे जल्दी से बताएं टू के एडजेसेंट कौन कौन से नोड हैं? एक मिनट, एक मिनट। सर विजिट इज इक्वल टू वन इज ओनली सेंटेंशियल, क्या पूछना चाहे रुद्रा एक बार दोबारा बताइएगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमने मार्क कर लिया ताकि हम भूले नहीं बाद में, किसी नोड को मल्टीपल टाइम ट्रेवर्स ना कर लें। सर वो इफ स्टेटमेंट के नीचे डीएफएस, हाँ ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। यहां पर मैं इसको एक्स बोलूंगा, जब मैं जाऊंगा तो मैं उसको एज अ वी ट्रीट करूंगा, ये सही ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करेक्ट कर लेता हूं। यस, ये इस बात का सबूत है, देखिए ये चोरी का माल नहीं, ये सब खुद ही लिखा है मैंने, ठीक है। कॉपी पेस्ट होता तो भाई गड़बड़ थोड़ी होता, नहीं। चलो तब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ यहां तक की बात प्रोसेस कर पा रहे हैं क्या? अब टू के एडजेसेंट नोड कौन कौन है? टू के एडजेसेंट तीन नोड है, वन है, फोर है और फाइव है, इजंट इट? वन फोर एंड फाइव, बट आप मुझे बताएं उसमें से किस एक पे फंक्शन कॉल नहीं होगा? वन पे फंक्शन कॉल नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है, वो ऑलरेडी विजिटेड है। फोर और फाइव पे होगा, पहले किस पे करूं? अगेन इट्स रैंडम, इस बार मान लीजिए पहले राइट हैंड साइड को लिखता हूं, जस्ट ऐसे ही मेरा मन हो रहा है, कोई रीजन नहीं है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लिखूंगा, चलेगा? वन पे फंक्शन कॉल नहीं होगा, जाहिर सी बात है, जो विजिट वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, विजिट एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव, ना विजिट वन इज इक्वल टू एक्स, नो नो नो, विजिट वन इज इक्वल टू वन। मान लीजिए मैं सिर्फ एक बुलियन वैल्यू लेके चल रहा हूं, अगर किसी भी नोड की विजिट वैल्यू जीरो है, इसका मतलब वो अभी तक विजिट नहीं हुआ है, अगर उसकी वैल्यू वन है, इसका मतलब विजिट हुआ है, बस इतना, इसमें कोई इफ और बट नहीं, जस्ट आई विल मेक इट सिंपल, फेयर है ना। तब आप मुझे बताएं भाई, अगेन लिखा जरूर है फोर और फाइव, बट अब पहले किसका नंबर आएगा? पहला नंबर आएगा फाइव का, अनडाउटेडली, है ना। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद फाइव, और ये मैं एक रफली पाथ भी बनाते चल रहा हूं, और स्टेप नंबर वन अगेन आप जानते हैं विजिट इज इक्वल टू वन, तो ये लीजिए फाइव भी हमारा हुआ। कराची, कराची कितनी बार कैप्चर करोगे? सबसे पहले भी कराची था, फिर कराची आ गया, कोई बात नहीं। सो फाइव भी हमारा हुआ, है ना। और इसके बाद अब आप मुझे आगे बताइए, अगर फाइव हमारा हुआ तो अब क्या करना है?
सर फाइव पहले क्यों नहीं, फाइव सर फाइव पे ही क्यों, फोर पे क्यों नहीं, आपकी इच्छा है, मैंने बोला इस बात को, ऐसा नहीं कि फाइव से मैंने रिश्वत के पैसे लिए हैं, मैंने इस बात को बोला है भाई कि आप जिसको चाहे पहले उसको लिखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑप्शन है रैंडम है। उसने तो एडजेसेंट वर्टिसेस बोल दिया, वहां कोई ऑर्डर मेंशन नहीं किया और करना भी हमें नहीं है, अगर आप चाहें तो आप पहले फोर भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। यस ओके, फाइव से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर मुझे बताएं फाइव के कितने एडजेसेंट नोड हैं, फाइव के एडजेसेंट नोड हैं टू और एट, है ना, लेकिन कॉल सिर्फ किस पे होगा, कॉल होगा एट पे। नाउ लेट मी गो टू एट, इजंट इट, और विजिट ऑफ वन फिर मैं एट पे कॉल करूंगा, तो ये लीजिए एट भी हमारा हुआ, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड। तो चार बड़े शहर हमने कैप्चर कर लिए हैं, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद एट, क्लियर है पॉइंट। देवदत्त आप कहाँ मैप में कहाँ पहुंच गए, अब देवदत्त आप नॉन कंटिग्यूस, इसराइल हमारा होगा, नहीं इसराइल डीएफएस के अंदर नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं ना, बैक ट्रैक रास्ता तब छोड़ना है ना, कब छोड़ना है, जब आगे जाने का रास्ता ना मिले, बहुत अच्छे, तो मुझे बताएं, है ना, ठीक है, तो एट पे मैं पहुंचा, अगेन यहां पे मजा आएगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो एट से आगे बढ़ने के कितने ऑप्शन है मुझे बताओ, एट से आगे बढ़ने के तीन ऑप्शन है, पांच तो ऑलरेडी विजिटेड है, फोर सिक्स और सेवन। चलिए, क्योंकि मुझे आपको बैक ट्रैक कराना है तो मैं वही करने वाला था कार्तिक, बहुत अच्छे, अब मैं फोर पहले ट्रेवर्स करूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा तो तीनों, अच्छा पहले सिक्स लिखूं के सेवन, जैसे आप बोलो, उल्टा ही करता हूं, तो फिर अभी सेवन लेता हूं फिर सिक्स लेता हूं, चलेगा, ठीक है, तो अब फोर से चले गए, फाइव से चले गए एट पे, और जैसा सीक्वेंस हमने रैंडम ले लिया, हमें फर्क नहीं पड़ा, तो हमने पहले डिसाइड किया फोर को कैप्चर करने का, फोर भी विजिट हो गया, तो ये लीजिए पाथ में यहां से आगे बढ़ा गया। अब मुझे बताएं, जब मैं फोर्थ के एडजेसेंट कॉल करूंगा, जब मैं फोर के एडजेसेंट कॉल करूंगा तो किस पे कॉल करूं जो विजिटेड ना हो, वैसे तो फोर के एडजेसेंट टू और एट है, लेकिन टू और एट तो ऑलरेडी दोनों विजिटेड हैं, यस और नो, ऑलरेडी दोनों विजिटेड हैं, तो ना मैं टू पे जा सकता ना एट पे जा सकता, अल्टीमेटली आपको मानना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉल कंप्लीट होगा, और फंक्शन कॉल कंप्लीट होके मैं वापस एट पे जाऊंगा। अब आपको बैकट्रैक की प्रोसेस समझ आएगी, फंक्शन कॉल कंप्लीट करके मैं वापस जाऊंगा भाई एट पे, बात समझ आ रही है, और क्या एट का फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया, नहीं, एट में तो तीन फंक्शन कॉल होने थे, अभी तो जस्ट फोर हुआ है, अब मैं जाऊंगा सेवन पे, क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं, पहले मैं इस चीज को बस आपको डायरेक्ट ऑब्जर्व करा रहा था, मैंने आपसे बोला कि एट से फोर पे जाओ, फोर से आगे जाने का रास्ता नहीं मिले तो वापस एट पे और फिर रास्ता ढूंढो, तो यहां से सिक्स मिला या सेवन मिला, तो अगेन एट से मैं फोर पे गया, फोर का कॉल कंप्लीट हुआ, आगे जाने का रास्ता नहीं मिला, मैं फिर एट पे आ रहा हूं और इस बार फंक्शन कॉल कर रहा हूं सेवन पे, एक बार इसको देख लो भाई, 2 मिनट बाद बोलोगे सर ये बताओ तो फिर दिक्कत होगी। एट के लिए लूप का सेकंड इटरेशन होगा शायद, मैं समझा नहीं, इस पूरे कोड में, अच्छा हाँ आप फॉर लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है ऐसा सोच सकते हैं, एनालाइज कर लो भाई से एक बार, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो आप मुझे, पहले मैक्स लेंथ तक जाते हैं फिर बैक ट्रैक करते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं, इसी वजह से उल्टा रास्ता हमने चुना, जब हम आगे बढ़ते हैं अनन्या जी, तो क्या हमें पता होता है कि कौन सा रास्ता सबसे लंबा होगा, वही 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 मैं पूछ रहा हूं, हमें नहीं पता होता, हम रैंडम जा रहे होते हैं, तो ये हमारी एक किस्मत हो सकती है कि हम सबसे लंबा पाथ एक्सप्लोर करें, या हो सकता है कि बीच में गलत रास्ता चुन के हमें बैक ट्रैक करना पड़े, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें सबसे पहले सबसे आगे तक भागना है, नहीं ऐसा नहीं है।
बताएं एक बार, अभी तक का पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, तो अब मैं फिर वापस जाता हूं 8 पे, और 8 से मैं 7 पे गया, और 7 पे जाते ही अगेन जब मैं 7 पे कॉल करूंगा, 7 इज नॉट विजिटेड येट, तो 7 भी हमारा हुआ, 7 भी हमने विजिट किया। और आप मुझे बताएं क्या 7 से आगे बढ़ने का रास्ता है? जी हाँ, 7 से आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है 3, क्योंकि 8 पे तो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है। फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे। जब 3 पे जाएंगे और विजिट मार्क करेंगे, क्या 3 से आगे बढ़ने का कोई रास्ता है? 3 से आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है जो नॉट विजिटेड है, वो है 6। आई गो टू 6, यस, एंड 6 भी हमारा हुआ। फाइनली सारे के सारे मेजर सिटीज हमने कैप्चर कर लिए। फॉलो कर पा रहे हैं? अब ये बहुत खुशी की बात है कि दुख की बात है? ओके, लेकिन एक बार अभी क्रॉस चेक करना है ना, एक बार क्रॉस चेक करना है कि कहीं कोई दुश्मन बचा तो नहीं। बैक ट्रैक करते वापस आएंगे, जब तक जहां से स्टार्ट किया वहां नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी गेम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे देखिएगा, 6 विजिटेड है, 6 से अब मैं वापस आना शुरू करूंगा क्योंकि फंक्शन कॉल है ना। 6 कंप्लीट हुआ, फिर मैं वापस गया, 3 कंप्लीटेड है, फिर मैं वापस आया, फंक्शन कॉल 7 कंप्लीटेड है, और अब मैं जाके चेक करूंगा कि मुझे कॉल करना है या सोचना है कि 6 पे कॉल करूं कि ना करूं। अब आप मुझे बताएं, फिलहाल 6 पे कॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि जब तक इस 6 का नंबर आया या 8 से 6 पे जाने का नंबर आया तब तक 6 ऑलरेडी कवर कर लिया गया था, इजंट इट? फिर मैं वापस बढ़ूंगा, फिर मैं जाऊंगा, 8 कंप्लीट हुआ, 5 कंप्लीट हुआ, फिर मैं 2 पे जाऊंगा, 2 बोलेगा 4 पे भी जाओ, लेकिन तब तक क्या 4 ऑलरेडी विजिटेड है? जी हाँ। तो देखिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं बैक ट्रैक कभी करूंगा कभी नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा बैक ट्रैक करता हूं, और फंक्शन या कोड या हमारा एल्गोरिदम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किए उस तक ना पहुंच जाए। अब 5 और 4 दोनों कंप्लीट हुआ तो मैं दोबारा पहुंचा 2 पे। अब 2 के बाद ऑब्वियसली मैं चेक कर सकता हूँ 3 को, तो 3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड, मैं पहुंचा D of 1 पे, एंड D of 1 कंप्लीटेड, हमारा ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया। आप मुझे बताएं हमने किस सीक्वेंस में ट्रेवर्स किया? 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 4, देन उसके बाद हमने बैक ट्रैक किया 8 तक, और उसके बाद हमारा नंबर आया 7 का, 3 का एंड 6 का। सो दैट इज हाउ यू कुड डू अ डेप्थ वर्सेस ट्रेवर्सल। बताएं जरा, पूरी प्रोसेस आइडिया बाय आइडिया, वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है अभी तक का जो डिस्कशन हमने किया है? क्लियर है पॉइंट सभी को? अच्छा, सो बिफोर वी अभी, लेकिन ये काम हमने रिकर्शन से किया कि इटरेशन से? अब ये काम हमने किया रिकर्शन से। अब ये सेम प्रोसेस मेरे को रिपीट करना है इटरेशन से, बट बिफोर वी डू दैट एक जरा क्वेश्चन ट्राई करो, एक्चुअल क्वेश्चन, और मुझे बताओ इसका वैलिड ट्रेवर्सल सीक्वेंस क्या होगा। चार सीक्वेंस लिखे हुए हैं, टाइम कम पड़े मुझे बताइएगा, इंक्रीज इट फर्दर, जल्दबाजी मत करिएगा। इस क्वेश्चन में भी गलती करने का कोई मतलब बनता नहीं है,
आप पूरी तरह से एक एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो नो डाउट यू विल एंड अप ऑन द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसने बोला नहीं है कि किस नोट से स्टार्ट करना है, बट व्हेन यू सी द ऑप्शंस यू विल अंडरस्टैंड कि हर बार शायद इसने ए से ही स्टार्ट किया है। बोला है क्या? अच्छा, डीएफएस स्टार्ट इज नोट ए। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, ए से स्टार्ट किया है, बट हाँ चलिए, फिर ग्राफ में तो रूट बोलने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अभी तो 45 seconds आर देयर। आप कर लो पहले, कम पड़ेगा तो आई विल इंक्रीज इट, डोंट वरी। आएगा ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत गड़बड़ी किया की है जरूर, कोई बात नहीं। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन बाय ऑप्शन चलता हूँ। अब देखिए, अभी बताइएगा कोई भी कंफ्यूजन है तो। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ए से स्टार्ट किया, ए से ट्रेवर्स करके किया बी पे, चलेगा। बी से ट्रेवर्स करके गया ई पे, ये भी चलेगा। ई के बाद बोल रहा है एफ पे जाना है, एफ के बाद बोल रहा है डी पे जाना है। आप मुझे बताओ, क्या एफ के बाद डी पे जाने का कोई लॉजिक बनता है क्या? एफ के बाद डी पे, क्या एफ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ही आगे बढ़ता तो मेरे पास कोई ऑप्शन था? हाँ था। एफ से मैं सी पे जा सकता था, एफ से मैं जी पे जा सकता था, लेकिन ये भाई साहब कह रहे नहीं, एफ से जाएंगे सी डी पे। ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज रॉन्ग। क्या हर किसी को पॉइंट क्लियर हो रहा है? एफ और डी बिल्कुल सही बात है, एफ और डी एडजस्टेड नहीं है तो फिर डायरेक्ट जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाहर गया ठीक है, सेकंड पे आ जाता हूं। और कौन कौन से ऑप्शन बाहर हो गए? जिसमें फर्स्ट एज ऑप्शन है तो 4+9 13% लोगों का गड़बड़ हो गया। ठीक है, 2 और 3 वैलिड है, चलो ठीक है। पहले 4, या पहले मैं एक एक करके करता हूँ ना, वैलिड भी समझ आए। तो 2 वाले में ए से गए बी, बी से गए ई, ई से गए एफ, एफ से गए सी, यहां तक परफेक्ट है। अब देखिए फिर क्या किया होगा, सी से बैक ट्रैक किया होगा, तो सी से आएगा एफ पे, फिर एफ से क्या दोबारा आगे रास्ता मिल सकता है? जी हाँ, तो फिर एफ से गया होगा जी पे और जी से गया होगा डी पे, तो ए बी ई एफ सी, यहां तक का सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर जी और डी उल्टा ट्रेवर्स किया, तो बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो आई थिंक 2 वाले में कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर कोई फॉलो कर पा रहा है कि आप में से? यस, ओके ओके। नाउ थर्ड इज आल्सो ओके आपके हिसाब से? एक बार जरा जल्दी से क्रॉस चेक करते हैं थर्ड को भी। तो थर्ड को देखिए, जब मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं तो मैं ए से चालू करता हूं, ए से मैं जा रहा हूं डी पे, डी से मैं गया जी पर, जी से मैं गया ई पर, ई से मैं गया बी पे, बी से मैं गया सी पर, सी से मैं गया एफ पे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप देख रहे हैं क्या यहां पर हमें एक बार भी बैक ट्रैक करने की जरूरत पड़ी ना?
और परफेक्ट तरीके से इसने स्ट्रेट लाइन के अंदर ही पूरा का पूरा ग्राफ हमें ट्रेवर्स करके दिखा दिया। तो अगेन इट्स अ परफेक्ट डीएफएस ट्रेवर्सल, नो प्रॉब्लम इन दैट। इसको दोबारा क्लीन कर देता हूँ। फाइनली फोर्थ वन, जिसमें आई थिंक कंफ्यूजन रहा होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने 1, 2, and 4 को सही मार्क किया है। फोर में कहाँ गड़बड़ हुई भाई? ए से आप जा रहे हैं डी पे, अच्छा इस बार नीचे वाला रास्ता चुना है। डी से आप गए बी पे, ओके। बी से अब आप गए सी पे, ओके। सी से गए जी पे, ये मूव नहीं समझ आया। क्या, वेरी गुड। क्या सी से जी पे जाने की कोई जरूरत थी? क्या सी से जी पे ये गया है? क्या सी से जी पे जाने की कोई जरूरत थी? नहीं, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल, बिकॉज सी से आगे जाने के दोनों रास्ते पॉसिबल थे। मैं ई पर भी जा सकता था, मैं एफ पर भी जा सकता था। सो बिकॉज ये गड़बड़ है, now 100% we are sure that B is the correct answer, C is also invalid. अब बताएं भाई, एक बार प्रोसेस करें, मुझे बताएं क्या पूरी बात फॉलो कर पा रहे हैं? क्या किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके ओके, वेरी गुड। तो अब मैं दोबारा, जैसे मैंने बोला कि इसके ऊपर एक अप्रोच और सॉल्व करेंगे, तो ये सीक्वेंस आप बता पा रहे हैं। मैं दोबारा आपको इटरेशन पे लेके आता हूँ, है ना? एंड लेट्स अगेन ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द सेम आइडिया, बट इस बार विल ट्राई टू डू इट विद द हेल्प ऑफ इटरेशन, एंड लेट मी हैव द सेम काइंड ऑफ अ ग्राफ। सो वन था आई थिंक, वन के बाद 2 and 3, and then 4, 5, 6, and 7 we have, and then we have 8. Very good. तो यहां से देखिए, अब जरा वैल्यू बाय वैल्यू आगे बढ़ना स्टार्ट करें तो कैसे हम करेंगे। लेट मी टेक ए स्टैक। तो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैक इधर बना लेते हैं लाइक दिस। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। लेट एस बी ए स्टैक, पुश एस इनटू द स्टैक। जिस भी नोड से स्टार्ट करना है उसको स्टैक में पुश कर देना है। तो यहां पर एक स्टार्टिंग वर्टेक्स हमें लेके चलना है। सो नाउ कैन आई टेक 1 दिस टाइम अगेन, क्योंकि डीएफएस में भी हमने 1 ही लिया था। सॉरी, रिकर्सिव मेथड में दोबारा 1 रख लेता हूं। 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1 को मैंने स्टैक में रख लिया, ठीक। तो स्टेप नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गया, स्टेप नंबर 2 एग्जीक्यूट हो गया। जहां गलती करूं, जहां कुछ कंफ्यूजन लगे मुझे बताइएगा। और फिर कह रहा है मार्क्स एस एज विजिटेड, तो यानी कि 1 को मैंने मार्क कर लिया कि 1 भाई विजिट हो गया है। फॉलो कर पा रहे हैं? ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, जहां पे हम गेम स्टार्ट करने का सिस्टम बना रहे। फाइनली फाइनली वाइल लूप हम स्टार्ट कर रहे, और कह रहे तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। क्या फिलहाल स्टैक एम्प्टी है? नहीं, स्टैक के अंदर 1 हमने रखा हुआ है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो क्या करने का है? एम्प्टी नहीं है तो कह रहा है वी इज इक्वल्स टू टॉप ऑफ स्टैक, जो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू है वो वी में रखना है। तो फिलहाल मुझे बताएं वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल्स टू 1, जल्दी बताओ। जहां कुछ कंफ्यूजन हो मुझे बताना। फिलहाल v की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं आप? यस। और उसके बाद कह रहा है पॉप कर दो, तो आई मीन 1 यहां से बाहर चला गया। नाउ आगे देखो क्या कह रहा है। लूप लगा रहा है फॉर ऑल द नेबर्स w ऑफ v इन द ग्राफ। वो सारे के सारे नेबर जो w हैं, पहले चेक कर लो विजिट है कि नहीं, और अगर विजिटेड नहीं है उनको स्टैक में पुश कर लो। तो आप मुझे बताएं 1 के कौन कौन से नेबर विजिटेड हैं? 1 का भी कोई भी नेबर विजिटेड नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं स्टैक में पुश कर लेता हूं। किसे करूं? 2 और 3 में से पहले किसे करूं? आप जानते हो कोई भी ऑर्डर हो सकता है।
यस और नो? यस। यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में किया, यहाँ पे बात सही है। यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि क्या, विजिट ऑफ डब्ल्यू या मार्क एसेट विजिटेड या विजिट ऑफ डब्ल्यू में वन, इसको यहीं विजिट कर लो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो अगर पुश कर रहे हैं तो, है ना। तो अब बिल्कुल एल्गोरिदम 2 या 3 में से चूज करेगा, जिसको भी पहले चूज करे में फर्क नहीं पड़ता, बट आप ये बात फॉलो कर पा रहे हो कि अब इस बार पहले दोनों में पुश होगा। तो मान लेते हैं 2 पर भी पुश होना है और 3 पर भी होना है, लेकिन फिर देखिए प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही मैं लूप लेके जाऊंगा और मान लीजिए पहले मैं 2 पे फंक्शन कॉल करूंगा या 2 पे पुश करूंगा और विजिट करूंगा, एक मिनट रुक जाइए, हमने पहले स्टैक में ये सही कर रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है? एक मिनट, मान लीजिए वो विजिट छोड़ दो, वो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको विल फिगर इट आउट। अगर हमने 1 को पहले पुश किया और 1 के बाद हमने पॉप कर लिया, फिर फॉर ऑल द नेबर्स हम जा रहे हैं और उन सारे नेबर्स के ऊपर, इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, डब्ल्यू भी विजिटेड अगर नहीं है तो हम उसको पुश कर रहे हैं, फेयर इनफ। तो मान लीजिए हमने पुश किया 2 को और मान लेते हैं उसे मार्क भी कर दिया विजिटेड। अब ऑब्वियसली मुझे चाहिए कि मैं 2 के बाद 5 पे आऊं, इजेंट इट? तो यहां पे कहीं ना कहीं फंक्शन कॉल होना चाहिए बीच में, क्योंकि अगर मैं 2 के बाद 3 को पुश कर दूंगा तो फिर मेरे को सही सीक्वेंस नहीं मिलेगा। अगर मैं इस लूप के अंदर दोनों को पुश करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये गड़बड़ काम करेगा क्या? ये बात फॉलो कर पा रहे हैं आप? नहीं, पहले क्या करना होगा वो छोड़ दीजिए, आप भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये सही काम नहीं करेगा, है ना। बिकॉज हम 1 के बाद आ रहे हैं, ये 2 और 3 दोनों पे काम करना चाह रहा है, नहीं वो हमें अलाउ नहीं करना। हम चाह रहे हैं कि पहले 2 पे काम करे और 2 को लेके ही आगे बढ़ जाए, उसके बाद 3 का नंबर अगर जरूरत पड़े तो कहीं बाद में आए। यस और नो? नहीं, बराबर नहीं है। बिकॉज अगर मैं इस आइडिया के हिसाब से चलूंगा तो मुझे हर नेबर के ऊपर, लूप है ना, हर नेबर के ऊपर चेक करना पड़ेगा और मैं 2 और 3 दोनों को विजिट कर लूंगा। अच्छा, एक सेकेंड, चलो एक बार मैं इसको ऐसे रन करके देख रहा हूं।
अगर वन के बाद मैंने टू को पहले पुश किया फिर थ्री को पहले पुश किया, यस जो टॉप पे होगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। टू को नहीं, मैं थ्री को आगे लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब ये उल्टा कर लेता हूँ। मान लो, क्योंकि हमने टू को मार्क कर लिया, मान लेते हैं कि पहले हमने पुश किया थ्री को फिर हमने पुश किया टू को, फॉलो कर रहे हैं? ओके। और उसके बाद हम गए यहां पे और लूप कंप्लीट हुआ, हम फॉर लूप से बाहर आए, फिर वाइल पे अगर देखा क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, तो स्टैक टॉप में जो था वो कौन था? टू, ठीक है। तो यहां पे इसको इधर के बजाय वो वैल्यू ऑलरेडी विजिटेड है, नॉन एम्प्टी पॉप करना है। अगर यहां मैं मान लीजिए फिलहाल लिख लेता हूं विजिट, उस वर्टेक्स का नाम क्या रख रहा है? एस, समथिंग लाइक हियर। तो अब टू को मैंने विजिट किया, अब टू जब बाहर जाएगा तो टू का नेबर कौन कौन है? हाँ, अब ये ठीक चलेगा। टू का नेबर कौन कौन है? टू का नेबर है 1, 4 और 5। अब पहले क्या थ्री का नंबर आएगा? पहले टू प्रोसेस होगा, पहले थ्री का नंबर नहीं आ रहा है, पहले टू ही प्रोसेस होगा, और वन ऑलरेडी डन है, तो 4 और 5 में से इसकी मर्जी है, जिसे चाहे पहले उसको पुश कर ले। तो मान लीजिए पहले पुश कर लेता हूं 5 को, फिर पुश कर लेता हूं 4 को। यस। अब अगेन जब ये लूप बाहर होगा फिर मैं वापस आऊंगा, इस बार पॉप करूंगा, तो इस बार कौन पॉप होगा? इस बार पॉप होगा 4, और मान लीजिए उसी को हम मार्क कर ले रहे हैं जो पॉप हुआ, दैट ऑब्वियसली दिस इज विजिटेड। अब 4 पॉप होगा तो किसको पुश करेगा? 4 पॉप होगा तो 4 का एक ही एडजेसेंट नोड है, वो है 8। अब चाहो तो अपन सीक्वेंस में आगे बढ़ सकते हैं। अब 8 के केस में अगर देखें तो 8 के कितने नेबर हुए? 8 के 5 नेबर, ओ सॉरी, 8 के 4 नेबर हैं ओवरऑल, बट 4 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो कितने बचे? 5, 6 और 7, है ना? क्या कौन कौन से नेबर इंसर्ट हो जाएंगे? 5 विजिटेड है, 5 को हमने विजिट नहीं किया है, लेकिन 5 ऑलरेडी स्टैक में है। आप ये बात फॉलो कर पा रहे हैं कि 5 को यहां पे प्रोसेस करने की जरूरत है कि नहीं है? बट कोई बात नहीं, यू इफ यू वॉन्ट यू मे हैव मल्टीपल, बिकॉज इस आइडिया के हिसाब से मान लो अगर 5 को मैं स्टैक में पुश कर भी लेता हूं तो कुछ तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, क्योंकि जब भी ये प्रोसेस होगा बाहर आएगा, उसके बाद जब मैं पॉप करूंगा, टू विजिट द नेक्स्ट वन, स्टैक में मल्टीपल एंट्रीज मिल सकती है। चलो अगर अभी मैं सीक्वेंस के हिसाब से आगे चलता हूं, विल विल ऑब्जर्व इट आउट। तो 8 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो फिलहाल 8 को विजिट मार्क कर लूं, अभी अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। 8 को हमने विजिट मार्क किया, और 5 क्योंकि अभी हमने बाप बाहर नहीं निकाला था, पॉप नहीं था, तो उसको अभी हमने विजिट मार्क नहीं किया है। तो मान लीजिए चलिए मैं 5, 6 और 7 तीनों को स्टैक में पुश कर लेता हूं। उसके बाद सबसे पहला नंबर 7 होगा, 7 विजिट मार्क करूंगा, 7 बाहर जाएगा, तो 7 किसको पुश कराएगा? 3 को। तो सबसे लास्ट में नंबर आएगा 3 का, और 3 हो गया डन। 3 के कितने नेबर हैं? 3 का एक ही नेबर है, तो 3 भी पुश कराएगा 6 को, 6 भी अभी तक मार्क नहीं है, 6 दोबारा पुश होगा। और मान लेते हैं फिर 6 को हमने पॉप किया, 6 विजिट हुआ और 6 से हम बाहर आ गए। उसके बाद जब मैं यहाँ पे जाके चेक किया, मैंने देखा स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, मैं फिर गया और फिर मैंने देखा कि स्टैक टॉप के अंदर कौन है, 6, 6 को मैंने पॉप किया, 6 के नेबर्स पे जाके मैंने चेक किया और विजिट इज इक्वल टू 6। ओके, यहाँ पे गड़बड़ करेगा, क्योंकि फिर अब ऐसा लगेगा कि 6 एक बार विजिटेड है कि दो बार हो जाएगा, तो इसका मतलब
एस को इफ नॉट विजिटेड पुश करो, तो पुश करते वही अगर हम विजिट मार्क कर ले तब आई थिंक ये सही चलेगा, जैसे हम पहला लिख रहे थे। इसमें कोई गड़बड़ होगा क्या अगर मैं एक बार इस तरह से इमेजिन करूं? एक दो बार डिफरेंट आइडिया से आप देखोगे तो फॉलो हो जाएगा। अगर लेट मी चेंज द कलर, मान लीजिए अगर मैं इधर से चलता हूं और मान लीजिए रैंडमली मैंने स्टार्ट किया वन से, वन को मैंने पुश किया और क्योंकि वो पहला केस है उसको मैंने विजिट मार्क कर लिया, वन इज विजिटेड, उसका स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक टॉप को मैंने यानी कि पॉप किया, वन बाहर गया और वन के जितने भी नेबर है, अभी मैं किसी को मार्क नहीं कर रहा लेकिन वन के जो नेबर हैं वो कौन कौन है, टू और थ्री, मैं टू और थ्री दोनों को पुश कर रहा हूँ और पुश करते हुए ही मैं दोनों को विजिट मार्क कर रहा हूँ, पुश किया, पुश करते हुए ही विजिट मार्क कर रहा हूँ। नहीं ये भी मैं नहीं कर सकता, बताओ ये क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे पोजिशन क्यों नहीं रख सकता? बिकॉज ऐसा मैं करूंगा तब ये डीएफएस की तरह करने लगेगा। ठीक है तो अब इसका मतलब सोचिए जरा कहाँ पोजीशन होना चाहिए, मुझे वन के बाद टू पर जाना है, यहां मैं विजिट नहीं रख सकता और ये मल्टीपल टाइम हो रहा है, बता सकते हो विजिट की सही पोजीशन कहाँ रखूं? टाइम ले लो, फॉर लूप के बाद रखूं, नहीं पॉप करने के बाद गड़बड़ हो रहा है, हम ऑलरेडी उसे क्रॉस चेक कर चुके हैं। पॉप करने के बाद अगर विजिट मार्क करेंगे तो मल्टीपल एंट्रीज भी हो रही हैं स्टैक के अंदर, अगर मैं इधर रखूं तो मजा आ रहा है भाई इसमें तो। ऑल द वेक्स ऑफ डब्ल्यू ऑफ वी इन द ग्राफ, तो ऑब्वियसली यहां शायद मैं वी को मार्क करूंगा। ऐसे देखिए एक बार, ऐसे सही चलेगा क्या? सर फॉर लूप में विजिट के बाद इस लूप के अंदर तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, जरा एक बार इधर इस तरह से चला के देखूं। अगर वन से हमने ट्राई किया तो वन को मार्क किया, वन विजिटेड है, वन को पॉप कर लिया फिर बाहर आए और उसके बाद जितने भी नेबर थे, इस बार मैंने टू और थ्री को पुश कर लिया, वन विजिटेड था दोबारा उसको विजिट मार्क कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं गया, नॉट एम्प्टी है, मैंने पॉप किया थ्री को, थ्री के जितने नेबर हैं, थ्री के नेबर कौन कौन है, थ्री के नेबर है सिक्स और सेवन, और सिक्स और सेवन दोनों को मैंने पुश किया, उसके बाद मैंने विजिट मार्क किया थ्री को, फिर सिक्स और सेवन को लेके हम आगे बढ़े और सिक्स और सेवन के बाद सेवन को हमने प्रोसेस किया, सेवन को पॉप किया, उसका जो नेबर है वो है थ्री, ऑलरेडी मार्क्ड है तो उसका नेबर हुआ एट, थ्री दोबारा एंटर नहीं होगा तो एट को हमने प्रोसेस किया। आई थिंक यहां करेंगे तो सही चलेगा क्या? एक बार देखिए यहां सही लग रहा है मेरे को, अगर फॉर लूप के बाहर करें तो थ्री को दोबारा एंट्री नहीं दी सेवन ने, एक बार चेक करेंगे उस पॉइंट को। पर उसके बाद मैं जाऊंगा एट पर, एट के जो नेबर्स हैं इसके बाद फिर फोर फाइव सिक्स आ जाएगा है ना, और सिक्स अभी तक विजिटेड मार्क है कि नहीं है? सिक्स विजिटेड मार्क नहीं है, फोर फाइव एंड सिक्स, तो वो फिर दोबारा मल्टीपल टाइम पुश होगा, कोई बात नहीं। अब इसको आपको एक बार चेक करना है क्या एल्गोरिदम काम कर रहा है। मतलब आइडिया तो आपको समझ आ रहा है ना? हमें सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जर्व करना है, एक तो जहां जरूरत नहीं है
वहां मल्टीपल टाइम एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वहां मल्टीपल टाइम एंट्री नहीं होनी चाहिए, और विजिट का जो ऑर्डर है वो सही आए। यार ये नहीं करना, हमें हिट एंड ट्राई करना है ऑब्वियसली, ये तो मैं भी, चलो खैर। कोरमैन का इमेज ये शेयर कर रहे हैं, अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज देखो एक बात आप समझो, एक बात समझो, एल्गोरिदम्स जो हैं क्या वो तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, इजंट इट? एक बात आप समझ रहे हो, इसमें तो 1 मिनट लगेगा मेरे को भी और आपको भी, गूगल पे जाना है, लिखना है DFS इटरेटिव, बात खत्म हो गई, मिल जाएगा कोड लिखा हुआ, और बाकी कोरमैन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बट मैं इस वजह से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ साइड। एक और बात आप समझ, देखिए मैंने रटे हुए कोड नहीं लिखे हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज इससे क्या होता है, एग्जाम में क्या एग्जैक्ट ये कोड लिखा मिलेगा, ये तो आप जानते हो, एग्जाम में कोड नहीं लिखा मिलेगा, है ना, वो रेंडमली अपने मन से कुछ भी बना के देगा। अब उस केस में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार एग्जैक्टली ये सीक्वेंस किस तरह से काम कर रही है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसे ब्रशअप ही तो कर रहे हैं, वैसे तो काम तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ना, DFS जो स्टैंडर्ड है भाई, DFS मतलब रिकर्शन, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं वो नहीं कराना चाह रहा आपको। एक काम करो, वैसे मैं चाहूंगा कि आप इसको गूगल से मत देखना, इसको होमवर्क में ट्राई करो एक बार, बाकी पूरी प्रोसेस आपको पता है, सिर्फ विजिट की पोजीशन डिसाइड करनी है, या इसके अंदर कुछ कंसिडरेबल चेंज करना है, जिस भी बुक में देखोगे कोड तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम इसको अलग अलग तरीके से हिट एंड ट्राई करके देखें। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? देखिए एक स्टेटमेंट मैंने बोला था ना, जब हम डेटा स्ट्रक्चर स्टैक डिस्कस कर रहे थे, जो रिकर्शन और इटरेशन की पावर सेम है कि डिफरेंट है? पावर सेम है, आप जो काम रिकर्शन से कर सकते हो वो इटरेशन से भी कर सकते हो, जो इटरेशन से कर सकते हो वो रिकर्शन से भी कर सकते हो, जितना ज्यादा आप सोचोगे विद टाइम उतनी ही क्लैरिटी अपने को मिलेगी। ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है, बट अगेन मैं बोलूंगा इसको अब एक बार आप ट्राई करो, हर कोई एक अच्छी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, और अलग अलग वेरिएशन भी मैं देखना चाहता हूँ कि अगली क्लास में जब आप आए तो हर कोई एक आइडिया ना लिख के लाए, अलग अलग आइडिया लेके आए, फिर देखते हैं इसको कैसे विजिट करेंगे। यस, आपको जो चेंज करना है वो कर लो इसके अंदर, और कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम तो सुडो कोड पे काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है बुरी है कैसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक और क्वेश्चन इन द मीन वाइल आप मुझे बता दो, जहां मैं सिर्फ आपसे दोबारा ऑर्डर पूछ रहा हूं, ये ट्राई करोगे? गेट 2003 1 मार्क क्वेश्चन, बुक को सबसे बाद में रेफर करना, बुक में आंसर मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। गेट 2003 इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि अप्रोच एकदम सिंपल है, प्रोसेस करना आपको पहले से पता ही है कि कभी बैक ट्रैक करना और कब बैक ट्रैक नहीं करना, और सिर्फ उस बेस पे सॉल्व करना है। सर फिर डीपी क्यों यूज करते हैं? देखो अभी मैं चिरंजीव समझाता हूं, अभी तो हम सिर्फ आइडिया और टाइप डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जा रहे हैं, है ना, और डीपी मतलब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं शायद। तो डीपी को हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, उसको हम समझेंगे, देर आर सर्टेन एरियाज जहां पर जिस तरह के प्रॉब्लम में डीपी अप्लाई करना हमारे लिए फायदेमंद होता है, और
ग्राफ ट्रेवर्सल में अभी वो होगा कि नहीं होगा ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा फॉलो कर पा रहे हैं, ज्यादातर लोग सही आंसर कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग इफ आई चेक वन, ए से हम जा रहे हैं बी पर, बी से गए ई पर, ई से गए जी एंड जी से एच और एच से एफ। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बैकट्रैक नहीं किया, स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल हो सकता है। आपसे पूछा कौन सा वैलिड डीएफएस है, तो वन है वैलिड, इसका मतलब ऑप्शन सी यहां से हो जाता है बाहर। ये कुछ लोगों ने इस आंसर को सही मार्क किया है जिसमें वन नहीं आया है, तो क्योंकि वन नहीं है इसलिए सी हो जा रहा है बाहर। यस ठीक है, अब अगला क्या है, सेकंड सब में है कि नहीं, नहीं सेकंड भी सब में नहीं है। ए बी एफ ई एच जी, ए बी एफ एच, ए बी एफ, आई एम सॉरी, ए बी एफ और एफ के बाद ये भाई साहब सीधे जा रहे हैं ई पे। तो आप मुझे बताओ एफ के बाद ई पे जाने का कोई सेंस बनता है क्या? ए से बी, बी से एफ, एफ से ई, नहीं, दिस इज ए इनवैलिड सीक्वेंस। एफ से कोई डायरेक्ट एज नहीं है और एफ से आगे जाने के ऑप्शन अभी थे, सेकेंड इनवैलिड है, तो जिस ऑप्शन में सेकेंड आया वो हो गया बाहर। ए इज ऑल्सो आउट, अभी आप देख पा रहे हैं फोर को आपको देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर दोनों के अंदर है। थर्ड वाला विल बी द डिसाइसिव फैक्टर, थर्ड वाला आप सीक्वेंस देखेंगे तो ए से आप गए बी, बी से आप गए एफ, एच से आप गए एच, एच से गए जी और जी से गए ई। क्या ये सीक्वेंस फॉलो कर पा रहे हैं? जी हाँ, तो क्लियर कट ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जा रहा है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर फॉर लार्ज ग्राफ डेटा, अगेन देखो अगेन वो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी में, स्केलिंग यानी के साइज ऑफ प्रॉब्लम, साइज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या साइज ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे जैसे इस प्रॉब्लम का साइज बढ़ेगा कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा अप्रोच किस केस में किस तरह से बिहेव करता है, टाइम कैसे इंक्रीज होगा, वो ऑब्जर्वेशन के बाद हम समझ आएगा। एक और बात मैं दोबारा दिला दूं, क्या इन सारे केसेस में ये बात भी बड़ी रिलेवेंट है कि ग्राफ आप स्टोर कैसे कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट द अप्रोच, इट इज द प्रोसेस कि आपने कैसे ग्राफ स्टोर किया, और हो सकता है ग्राफ का स्टोरेज और ट्रेवर्सल का मैकेनिज्म का भी एक दूसरे से लेना देना हो, तो वो भी एक बार हमें सोचना होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जहां पर एग्जामिनर डायरेक्ट आइडिया नहीं बताना चाह रहे, इट्स अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, वो एक बार देखना चाह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है रिकर्शन पे या डीएफएस पे या किस तरह से। जरा इसको एक बार आप प्रोसेस करो और मुझे बताएं आंसर क्या होगा। वैल्यू के हिसाब से, आईडी के हिसाब से फॉलो कर पा रहे हैं? 19, इसने बोला सपोज द डेप्थ फर्स्ट सर्च इज एग्जीक्यूटेड ऑन द ग्राफ बिलो एट सम अननोन वर्टेक्स, यानी कि क्या आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं या कोई कंपल्शन लगा रहा है? नहीं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स यू वांट। आफ्टर दैट अ रिकर्सिव कॉल टू विजिट अ वर्टेक्स इज मेड ओनली
आफ्टर फर्स्ट चेकिंग दैट द वर्टेक्स हैज नॉट बीन विजिटेड अर्लियर. हम अगले वर्टेक्स पे वही कॉल तभी करेंगे चेक करने के बाद कि वर्टेक्स जो है वो पहले से हमने विजिट किया है कि नहीं किया है. देन द मैक्सिमम पॉसिबल रिकर्शन डेप्थ क्या हो सकती है. अच्छा, रिकर्शन डेप्थ इंक्लूडिंग द इनिशियल फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल करने के बाद तो मैं कोशिश करता हूं, और कोशिश हमें क्या करनी है इस बार, इस जल्दी से जल्दी बैकट्रैक करना पड़े कि ना करना पड़े, बैकट्रैक ना करना पड़े. तो गौर करिएगा, इंक्लूडिंग द इनिशियल कॉल क्लियर कट लिखा है. सो 1, 2, 3 या मैं सीक्वेंस लिखता चलता हूं ताकि बाद में फॉलो कर पाए. 1, let me say 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब आप मुझे बताओ इसको कवर करने का लालच करूं कि नहीं. ना, तो इसको कवर करेंगे तो फिर बैकट्रैक करना पड़ जाएगा. ओके, सो 10 के बाद 11, सीधे आगे बढ़ो, 12, 13, 14, 15, अगेन 14 से इधर नहीं जाना, देन 16, 17, 18 एंड 19. आई थिंक इससे लंबा स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्सल पाथ पॉसिबल नहीं हो सकता. एक बार देखिए जरा इस बात को फॉलो कर पा रहे हैं क्या, है ना. नो मैटर हाउ यू ट्राई, कुछ इसी तरह से यू लैंडेड अप. अल्टीमेटली बाद में दो ही नोट्स बचे हैं, आई थिंक टोटल 21 रहे होंगे, तो बैकट्रैक करना पड़ेगा. आप जैसे जाए वैसे कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैक्सिमम नंबर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल्स हैं विदाउट दैट बैकट्रैक, दैट विल बी 19. क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है. अच्छा, एक बात अगेन मैं आपको याद दिलाऊं, अभी जो ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं क्या वो कॉम्प्लेक्सिटी टर्म्स में भी एनालाइज कर रहे हैं? नहीं. अभी मेरा पूरा इंटेंशन क्या है, बिकॉज वो अभी हमने उस अच्छे से नहीं समझा है. अभी हमारा पूरा इंटेंशन क्या है कि ग्राफ को, ट्रेवर्सल के आइडिया को हम समझ लें, और खासकर वो क्वेश्चन जो ट्रेवर्सल बेस पे आ रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए ट्रेवर्सिंग रिलेटेड. जो इम्प्लीमेंटेशन और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एक बार जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन और सारे पॉइंट देख लेंगे तो फॉलो कर पाएंगे. सर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है, उसे एक्सप्लेन कर दीजिए. एक बार मुझे बताएं कहां, किस लाइन में प्रॉब्लम है. इसने बोला सपोज द, पहला ऐसा क्वेश्चन है जो एक्चुअली क्वेश्चन है, अभी तक तो ग्राफ था और सिर्फ ऑर्डर ही आपको बताने थे. नहीं, इसने बोला सपोज द डेप्थ फॉर सर्च इज एग्जीक्यूटेड ऑन गिवन ग्राफ शोन स्टार्ट फ्रॉम सम अननोन वर्टेक्स. बहुत सिंपल बात है. अगली लाइन में बोला अज्यूम दैट अ रिकर्सिव कॉल टू विजिट अ वर्टेक्स. रिकर्सिव कॉल हमने ऑलरेडी फॉलो किया, किस तरह से करते हैं, मेड आफ्टर चेकिंग दैट द वर्टेक्स इज नॉट बीइंग विजिटेड अर्लियर. ये भी मेक सेंस करता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई पहले से विजिटेड है, हमने जो रिकर्शन किया है, हमने भी तो ऐसे ही किया था ना भाई, अगर विजिटेड नहीं होता उसके बाद ही तो दोबारा कॉल करते हैं. अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर क्यों कॉल करेंगे. तो वही काम इसने भी करने के लिए बोला है. तो आई थिंक कोई नई बात नहीं बोली है, बिल्कुल सेम बात है, दोबारा रिपीट की है. और फिर आगे बोल रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल रिकर्शन डेप्थ. अब ये रिकर्शन डेप्थ का क्या मतलब है? अगेन जो ट्री आपने बनाया था अभी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लुक एट दिस. अगर यहां से पूछा होता तो रिकर्शन की डेप्थ क्या हुई होती? 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से गए 5, 5 से गए 7, 7 से गए 3 और 3 से गए 6. इसके बाद आपने बैकट्रैक करना स्टार्ट किया. अच्छा, यहाँ पे हमने 4 तक ही आई थिंक बैकट्रैक कर लिया था. सॉरी, यहाँ पर ये वाला पात नहीं था. 1 से 2, 2, 3 से 5 एंड 5 से 8 एंड 8 से 4 तक हम गए थे. हालांकि अगर आप चाहो तो इसमें लॉन्गेस्ट डेप्थ क्या ट्रेवर्स कर सकते हो, एक को तो दोनों में से छोड़ना पड़ेगा. आई थिंक ये ट्रेवर्स कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेवर्स कर सकते हो मैक्सिमम. हालांकि हमने जो की थी, हमने 4 की है, बिकॉज हमारी इंटेंशन लॉन्गेस्ट ट्रेवर्सल करने की नहीं थी. हमारी इंटेंशन तो अलग अलग केस बना के पॉसिबिलिटी चेक करने की थी. फॉलो कर पा रहे हैं क्या?
ओके अच्छा, अब एक बात समझिएगा, एक और छोटा सा टॉपिक अभी हमारा पेंडिंग है, एंड दैट इज कॉल्ड हैशिंग। दैट इज कॉल्ड हैशिंग। एक ऑब्जर्वेशन करनी है बहुत इम्पोर्टेंट, और हैशिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, यस और नो? आजकल हालांकि आजकल आप जो सोशल मीडिया की बात करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं हैशटैग। डू यू नो दैट हैशटैग्स? ओके, बट यहां पर भी हम डिफरेंट बात करेंगे, और ये एक ऐसी टर्म है जो अलग अलग जगह बार बार आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, उसने ऑब्वियसली एक कंफ्यूजन हो सकता था युवराज, लेकिन इसी वजह से उसने क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया है ब्रैकेट में कि इनिशियल कॉल को भी काउंट करना है, इसी वजह से हमने उसको कंसीडर किया। यस अच्छा, तो अगर मैं बस एक बात आपसे मैं पूछ रहा था, हाँ, अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, यस और नो? यस, जब मैंने कुछ के एग्जांपल भी लिखा है, सॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे, लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एबल ट्री, और हर किसी में एलिमेंट को सर्च करने का कॉस्ट भी आपके सामने मेंशन किया है ना? अब आप मुझे बताओ, एक चीज यहां पर कॉमन है, चाहे मैं एन के साइज से बढ़ूं, लॉग एन के कॉस्ट से बढ़ूं, एन स्क्वायर के कॉस्ट से बढ़ूं, आइडिया क्या है? किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, ये कम से कम इस बात पर डिपेंड करता ही है ना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यस और नो? बिल्कुल है ना, इस बात पे जरूर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज जब तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता, तब तक इस आइडिया को हम आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? ठीक है, तो अब जरा एक ऑब्जर्वेशन आप करो और मुझे एक बात समझाओ। मैं क्या लिखता हूँ? द मेन आइडिया ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स जो हेल्प अस टू स्टोर द डेटा एंड द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन ऑन एनी डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट इंसर्ट और डिलीट बट एक्चुअली सर्च। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो होता है सर्चिंग। वो क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं क्या इंसर्शन या डिलीशन के लिए भी पहले सर्चिंग करनी पड़ती है। अब अगर आपको BST में इंसर्शन करना है तो पहले आपको अप्रोप्रिएट लोकेशन सर्च करना है, या अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो भी तो पहले उसको सर्च करके डिलीट करेंगे ना। तो हैशिंग में जब अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो इंसर्शन पे रख रहे हैं, डिलीशन पे रख रहे हैं, कि सर्चिंग पे रख रहे हैं? पूरा कॉन्सेंट्रेशन सर्च पे रखेंगे। अगर आप सर्च एक बार जल्दी करना सीख जाए तो फिर अप्रोप्रिएटली इंसर्शन, डिलीशन या जो भी ऑपरेशन है वो आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं, है ना? ठीक बात है। अब देखिए, जरा एक प्रोसेस ऑब्जर्व करिए, एक आइडिया ऑब्जर्व करिएगा, और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं। हैशिंग एक डिफरेंट आइडिया है जो कहता है इररेस्पेक्टिव कितने एलिमेंट्स में सर्च करना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको कॉन्स्टेंट टाइम में सर्च करके दिखाऊंगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ वन, विल सर्च इन कॉन्स्टेंट टाइम। अब ये चमत्कार कैसे करेंगे, इस आइडिया की पहले एक बार बेसिक्स थोड़ा सा समझना है, बिकॉज कहीं ना कहीं बेसिक्स में कंफ्यूजन होता है। बाकी क्वेश्चन आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आइडिया क्या है, आइडिया ऐसा है जैसे मैंने इसे हमारा थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखने की कोशिश की है। मान लेते हैं वी हैव अ कंपनी, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड। वी हैव अ कंपनी और यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय के पास कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी होगी, है ना? अब अगर मैं उनको सॉर्ट करूंगा, फिर उस एम्प्लॉय आईडी को सर्च करूंगा, तो भले ही मैं बाइनरी सर्च लगाऊं, भले ही लॉग इन लगाऊं, तो लेकिन सर्च करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, है ना? अब मान लीजिए हम अपने मन से कुछ आईडी क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? कोई भी वैल्यू, मान लीजिए हम आधार कार्ड पूछ लेते हैं किसी का आधार नंबर। ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय होगा उसके कुछ वोटर आईडी या आधार आईडी तो हम लेंगे। आप में से कोई मुझे अभी, चलिए मैं पूछता नहीं किसी का, लेट मी, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? आई थिंक 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। ओके, तो लेट मी टेक 1472 42570 एंड देन लेट मी से 7050 समथिंग लाइक दिस। ऐसे रैंडमली हमने कोई भी एक नंबर लिखा। अब हो सकता है किसी का ये आधार नंबर हो सकता है ना हो, अलग बात है
फॉलो कर पा रहे हैं, मान लेते हैं। अच्छा आप मुझे एक अंदाजा बताओ कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं, जस्ट गिव मी अ वाइल्ड गेस, आप जैसे बोलो उस सबसे मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके तो सबसे पहले मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि हमारी कंपनी में 12, अच्छा 12, 50 एम्प्लॉई है, हर्षवर्धन कह रहे हैं 50 एम्प्लॉई है, चलो लेट्स गो दैट वे। 50 एम्प्लॉई अगर हैं तो मैं अब एक काम करता हूँ, ये मेरा अपना मन है, मैं स्टार्टिंग के 5 नंबर इग्नोर कर रहा हूं और मैं लास्ट के 5 नंबर भी इग्नोर कर देता हूं, मेरे पास सिर्फ 2 नंबर बचे 57, यस और नो, क्या 5 और 7 क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? गौर करिएगा इस बात पे, 5 और 7, मैं कोई भी 2 नंबर ले सकता था, मेरा मानना है कि चलो बीच वाला लेता हूं, और अगर मैं रैंडमली कोई भी आधार नंबर लूं तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 से 99 तक जाने की, यस और नो, टोटल 100 केसेस हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक टेबल बना लेता हूं और मैं 00, 01, 02 इस तरह से आगे बढ़ रहा हूं और जाऊंगा 99 तक, तो ये जो भी कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एक्स इसका नाम है, आधार नंबर इसका सामने है, बताओ इसका एम्प्लॉय आईडी क्या होगा? इसका एम्प्लॉय आईडी होगा नंबर 57। इसको हालांकि नहीं पता है ना, बट हमने क्या किया गेम, हमने किया ये कि इसके आधार नंबर से ही एक सब पार्ट चुरा लिया और उसको इसका एम्प्लॉय आईडी बना दिया। तब आप मुझे बताइएगा गेम क्या है, जो भी वैल्यू हमें सर्च करना है यहां पर, अगर डेटाबेस में जाएंगे तो पूरा का पूरा आधार नंबर सर्च करेंगे, यस और नो, यस, जो भी वैल्यू हमें सर्च करना है इसको बोलते हैं हम की। तब आप मुझे बताएंगे यहां पर की की क्या वैल्यू थी, एम्प्लॉई आके अपना आधार नंबर डालेगा तो की था उसका आधार नंबर, लेकिन उस की से हमने टेबल में निकालना था लोकेशन, इजंट इट, और उस लोकेशन को हमने आइडेंटिफाई किया एज 57। और ये जो ट्रांसलेशन है ना की से लोकेशन तक जाने का, इसी को दोस्त हम बोलते हैं हैश फंक्शन, नाउ दिस इज कॉल्ड हैशिंग। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पहले आपको एक जनरल पॉइंट समझा रहा हूं है ना, उसके बाद एग्जाम पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक एक बात एक्सप्लेन करूंगा। किसी को किसी और के, बिल्कुल आई एल कमिंग टू ईच एंड एवरी पॉइंट, डोंट वरी। अगर उसका एम्प्लॉय आईडी 99 होता तो होता, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या शुभम? अगर यहां पे किसी के लिए 99 लिखा होता तो उसका एम्प्लॉय आईडी 99 होता, हाँ फिर हो सकता है। देखिए समझने वाली बात क्या है, पहले आप मुझे बताओ मैंने सिर्फ 2 डिजिट ही क्यों रखी, मैंने 3 क्यों नहीं रखी या 1 क्यों नहीं रखी, ये बताओ, एक एक करके एनालाइज करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, डोंट वरी। मैंने 2 ही डिजिट क्यों ली, व्हाई नॉट सिंगल डिजिट, व्हाई नॉट, वेरी गुड, बिकॉज आपने मुझे बोला कि मेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं 50, तो अगर मैं सिंगल डिजिट लेता तो मैं सिर्फ 10 एम्प्लॉय रख पाता 0 से 9 तक, तो मैंने 2 डिजिट ले लिया सो दैट मैं 100 रख पाऊं, अगर मैं ऑब्वियसली अगर मैं 3 डिजिट लूंगा देन आई कैन गो अप टू 1000। ये बात आप समझ पा रहे हैं पहले तो, कॉमन सेंस लगाए बिल्कुल। अच्छा उसके बाद मैंने बीच के 2 डिजिट क्यों लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंडम है, आप चाहें तो पहले 2 डिजिट ले लेते, आप चाहें तो लास्ट के 2 डिजिट ले लेते, पॉसिबल है, यस और नो, यस। एक बात जो माननी पड़ेगी और जो आप में से कई लोग ऑलरेडी पॉइंट पॉइंट आउट कर रहे हैं जिन्हें ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, वो क्या, इस आइडिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बट एक पॉसिबिलिटी तो है कि बाई चांस 2 एम्प्लॉय अलग अलग एक्स और वाई के आधार नंबर भले ही अलग हों लेकिन यहां पे 57 57 मैच कर जाए, यस बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस सिनेरियो को, हाँ इस सिनेरियो को हैशिंग में हम बोलते हैं कॉलिजन होना, यानी कि 2 डिफरेंट कीज, लेट मी से K1 एंड K2, समटाइम्स में पॉइंट टू द सेम लोकेशन,
दिस आइडिया इज नोन एज कॉलिजन, इसको हम कैसे हैंडल करते हैं वो समय के साथ हम सीखेंगे. बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, स्टिल आप कोई भी हैश फंक्शन यूज करो, कॉलिजन होने के चांसेस कम या ज्यादा जरूर किए जा सकते हैं, बट क्या इसको एलिमिनेट किया जा सकता है? नो, देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ कॉलिजन. तो वो चांस आपको लेके चलना पड़ेगा. हालांकि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वहां पे हम सिस्टम को इनकंसिस्टेंट करेंगे, अगर कॉलिजन हुआ तो हम उसको प्रॉपरली हैंडल करेंगे. यस, अभी मैं समझाता हूं कैसे हुआ, डोंट वरी. तो अब आप इस बात को समझो, अगर मैं आपको एक्चुअल ऑफ रियलिटी पे लेके आऊं, नाउ लेट मी गो पॉइंट बाय पॉइंट, है ना, और आप शायद आप रिलेट कर पाओगे. सो हैशिंग इज अ टेक्निक वेयर सर्च टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स विच वी आर सर्चिंग ऑफ द डेटा वैल्यू. मैं बोल रहा हूँ कि टोटल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता. जैसे आप मुझे बताओ, ये नंबर जैसे ही आपने देखा, आपको पता था आपको पोजीशन नंबर 57 पे जाना है, यस और नो? यस. तो क्या मैं यहां पर एक पॉइंटर एसोसिएट कर सकता हूं जो आपको सीधे लोकेशन नंबर 57 पे पहुंचा दे? हाँ. अब इस टेबल में एक एंट्री है, 10 एंट्री है, 1000 एंट्री है, 1,00,000 एंट्री है, क्या आपको कोई मतलब है क्या उससे? नहीं, आपको तो अपना की देखना है, अपने की से तुरंत आपको लोकेशन मिलेगी, अपने घर जाओ. क्या मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं कि मैं जीरो टाइम पे पहुंचाऊंगा? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं. ऑब्वियसली पॉइंटर यूज करके जाओगे तो 57 तक पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन द पॉइंट इज क्या मेरा सर्च इस बात पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि डेटाबेस में ओवरऑल कितने एलिमेंट्स है? नहीं, मुझे डायरेक्ट 57 पे जाना था, 57 पे मैं गया. तो ये जो कांस्टेंट टाइम वाली बात है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है. ऐसा नहीं सोचना कि टाइम ही नहीं लग रहा, टाइम तो लगेगा लेकिन डिपेंडेंट नहीं है. जैसे जैसे इस प्रॉब्लम का साइज बढ़ेगा, टाइम नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉइंटर होल्ड करके बैठा हूं. देखिए मैं आगे क्या लिखता हूं. द बेसिक आइडिया इज टू यूज की इटसेल्फ टू फाइंड द एड्रेस इन द मेमोरी बाय सर्चिंग फॉर टू मेक इट सर्च इजीली. यहां पर भी क्या हमने ट्रिक यूज करके की से ही लोकेशन बना लिया? अच्छा, एक एक काम करता हूं, मैं वेट करता हूं कि आप मुझे कोई डिफरेंट आइडिया बताओगे. गिव मी सम डिफरेंट आइडिया. एक आइडिया तो मैंने यूज किया, इस आधार नंबर से दो दो डिजिट का की बनाना है. आप कोई और आइडिया बताओ कैसे बनाए. 12 डिजिट का आधार नंबर है, दो डिजिट का की बनाना है. कैन यू गिव मी सम डिफरेंट आइडिया? ओके, अखिलेश कह रहे हैं पहला और आखिरी ले लो. क्या ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम एट इट. भाई आप आखिरी पहला और आखिरी नंबर ले लीजिए, सो काम करेगा. अच्छा, कोई कह रहा है मॉड 100 ले लो. मुझे लगता है मॉड 100 लेने की क्या जरूरत है. आप अगर मॉड 100 करेंगे तो आखिरी के दो ही डिजिट बचेंगे या कुछ और बचेगा? जो लोग डिवीजन बाय 100 कह रहे हैं, ऑब्वियसली वो पहले से हैशिंग पढ़ के आए हैं, बट मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर आप मॉड 100 भी करेंगे तो आखिरी के दो ही नंबर बचेंगे, डायरेक्ट आखिरी के दो नंबर ले लो. अच्छा, कुछ लोगों ने अपने बचपन में लक्की नंबर कैलकुलेट किए होंगे. क्या आपने अपना लक्की नंबर कैसे निकालते हैं? स्कूल में निकालते हैं बच्चे, हाँ कैसे निकालते हैं बताओ. वेरी गुड, हाउ डू यू कैलकुलेट योर लक्की नंबर? वेरी गुड, बर्थडे डिजिट्स का सम करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई पैदा हुआ है, इट्स 17th of March, ये पागलपन है, डोंट टेक इट सीरियसली, बस जस्ट यहां पे मुझे फायदा होगा इसलिए इसको लेके बता रहा हूं. 17th March 2021, तो मैं क्या करूंगा, 1 + 7 + 3 + 2 + 0 + 2 + 1. कैन आई गो लाइक दिस? यस. क्या आएगा, 1 + 7 = 8 एंड 8 + 3 = 11 एंड 11 + 2 = 13, 13 + 2 = 15, and 15 + 1 = 16. Again, you get two number, still you further add it. So 1 + 6, you get 7. Very good. आज जितने लोग पैदा होंगे उनका लक्की नंबर होगा 7. ये बेवकूफी की बात है, बट क्या मुझे बताओ ये भी एक तरह का हैशिंग है. हाँ है, जरा बताओ
अगर इन सारे डिजिट्स को मैं सम कर लूं क्या मिलेगा? 1 + 4 = 5, 5 + 5 = 10. Now 10 + 5 = 12, 12 + 2 = 14, 14 + 5 = 19, 19 + 7 = 26, 26 + 5 = 31, and 7 = 38. बस 3 और 8 को दोबारा ऐड करूं या यहीं छोड़ दूं, क्योंकि मेरे को तो 2 डिजिट का चाहिए था. लेट इट बी, यहीं छोड़ देते हैं. मुझे बताओ ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अगर मैं सब डिजिट को प्लस करूंगा तो मेरे को नंबर मिलेगा 38. तो हो सकता है एम्प्लॉई एक्स को मैं लोकेशन नंबर 38 पे भेज दूं. अभी आपका डिसीजन है कि आप किस तरह से या कौन सा हैश फंक्शन बनाना चाहते हैं क्या. अगेन लेकिन मुझे बताओ एक पॉसिबिलिटी है कि किसी का आधार नंबर कुछ और हो, लेकिन जब आप सम करो तो आपको दोबारा 38 मिले. Yes. तो अभी हमें किस तरह का हैश फंक्शन लेना चाहिए उसके बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं समझना चाह रहा हूं कि आप ये समझ पा रहे कि नहीं हैशिंग का फंडामेंटल आइडिया क्या है. कोई भी ट्रिक यूज करो आपका जो मन है, कोई भी ट्रिक यूज करो जो आपका मन है, बट कुछ ना कुछ करके की से लोकेशन तक हमें पहुंचना है. यस और नो? यस. अब एक और बात, हैश फंक्शन जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. क्या कोई ऐसा हैश फंक्शन होगा जहां कोलिजन ना हो? क्या कोई ऐसा हैश फंक्शन होगा जहां कोलिजन नहीं हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. तो अब जरा 2-3 पॉसिबिलिटी चेक करिएगा. मैं पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हैश फंक्शन, किस हैश फंक्शन को आप अच्छा मानेंगे. पहला देखिए, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, इजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड. वो हैश फंक्शन अच्छा होगा जिसको कैलकुलेट करना अंडरस्टैंड करना आसान हो. अगर सोचिए कोई हैश फंक्शन में इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज ये सब लगा देगा, डज दैट मेक सेंस? भाई इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ जो उसको क्रैक करना ही मुश्किल हो जाए. नहीं, मैं आपको कुछ आइडिया दिखा रहा हूं जस्ट टू मेक दिस आइडिया रिमेम्बरेबल. ये देखिए, अब ये किसी ने कहा कि फ्री वाईफाई पासवर्ड चाहिए, ये वाईफाई पासवर्ड है, फ्री से सॉल्व कर लो. ये इसको ये भूले कुछ और लिखा हुआ है. नाउ दिस इज द पॉइंट. तो ये बताना क्या चाह रहा है, वाईफाई का पासवर्ड बताना चाह रहा है कि नहीं? ये नहीं बताना चाह रहा भाई. तो अब अगेन मैं आपको बस ये पॉइंट इसलिए याद दिला रहा था. अब आप मुझे बताएं ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं, हैशिंग का सारा अटेम्प्ट हम क्यों कर रहे हैं? हैशिंग का सारा आइडियम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि हम सर्चिंग जल्दी कर लें. अब अगर आप कोई इतना कॉम्प्लेक्स आइडिया जनरेट कर देंगे जिसको समझना या कंप्यूट करना मुश्किल होगा, तो फिर पूरा हैशिंग का प्रोसेस ही पॉइंटलेस हो जाना है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी आप कल ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि रिजल्ट क्या होगा. ओके, इधर आ जाइए. सेकंड पॉइंट, एफिशिएंटली कंप्यूटेबल. इट मस्ट ऑब्वियसली
उसको सॉल्व करने में टाइम ना लगे, पहले तो कॉम्प्लेक्स ना हो, दूसरा सिंपल तो है बट बहुत टाइम टेकिंग है, तो टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द की एंड की शुड नॉट रिजल्ट इन क्लस्टरिंग। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जैसा आपने देखा, एक टेबल हमने लिया और मैं एक ही दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक बार हमने बीच के कोई भी रैंडमली दो डिजिट ले लिए और एक बार हमने सबको सम किया, यस। अब देखिए, इस बात को अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो सम वाला लॉजिक है, सम वाला, अगर 0 से मैं 99 तक जाऊंगा तो जो आमतौर पे बीच वाले एवरेज वैल्यूज हैं वहां पे ज्यादा नंबर आएंगे। कि भाई आप 12 डिजिट का सम करेंगे तो 0 थोड़ी आएगा, 1 थोड़ी आएगा, 2 थोड़ी आएगा, 999 तक आप जाएंगे इन जनरल। आमतौर पे आप कहीं बीच वाली वैल्यूज पे आएंगे। क्या ये बात इमेजिन कर पा रहे हैं आप? अगर आप 12 डिजिट को सम कर रहे हैं, ये जैसे हमारे केस में कितना एवरेज 38 39 समथिंग लाइक दिस, तो आप देखिएगा ज्यादातर केस में 32 40 50 60 इन्हीं वैल्यूज पे आप आओगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कॉलिजन का चांस ज्यादा होगा या कम होगा? कॉलिजन का चांस ज्यादा हो जाएगा। जबकि अगर मैं कोई भी दो साइज लेता हूं रैंडम, तो वो वैल्यू बढ़िया छोटी होने के, हो सकता है दोनों 0 0 भी मिल जाए, हो सकता है 99 मिले, हो सकता है 89 मिले, हो सकता है 76 मिले, कुछ भी मिल सकता है। मेरे ख्याल से कोई भी दो रैंडम डिजिट लेना बेटर है रिलेटेड टू इट कि हम सबको सम करें, यस और नो? यस, बहुत अच्छे। तो क्या मैं आपके बात समझा पा रहा हूं? एक अच्छे हैश फंक्शन की खासियत होगी कि वो टेबल के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करे या कीज को यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट करे, पूरे टेबल को यूटिलाइज करे। बिकॉज जितना ज्यादा यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कॉलिजन होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, मस्ट हैव लो कॉलिजन रेट। एक बात नोट करिएगा, मैं जीरो कॉलिजन रेट बोल रहा हूं कि लो कॉलिजन रेट बोल रहा हूं? लो बोल रहा हूं। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं आप? बिकॉज ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक एक हैश फंक्शन, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं बट पढ़ते हुए लोग लिखते हैं, कॉल आइडियल हैश फंक्शन। नाउ व्हाट इज आइडियल हैश फंक्शन व्हिच हैव जीरो कॉलिजन? एंड आइडियल हैश फंक्शन इज अ रियलिटी और इट्स अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना, इट्स इमेजिनेशन, यस। तो बस एक थ्योरेटिकल आइडिया कि यस अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडल इफ इट हैज जीरो कॉलिजन रेट, बट वी डोंट हैव जीरो कॉलिजन। तो कॉलिजन तो होगा, दैट इज ओके। अब पॉइंट है कि किस तरह से उसको मिनिमम से मिनिमम किया जाए, ठीक है? तब आप मुझे बताएं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हैशिंग की, कैसे हम कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, अब एक बात और ऑब्वियस है। देखिए, जैसे बोलते हैं जितना खर्चा करोगे है ना उतना फायदा आपको होगा। जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, आपने बोला 50 एम्प्लॉय है, मैंने टेबल का साइज लिया 100, तो कॉलिजन का चांस थोड़ा कम है कि ज्यादा है? कम है। अगर यहीं पे मैं टेबल आपके कहने के बाद भी 100,000 साइज का लेता तो स्टिल यू नो नंबर ऑफ कीज जितने हैं, नंबर ऑफ लोकेशंस में और ज्यादा लूं, तो अगेन ये बात आप समझें, कॉलिजन का चांस और कम हो जाएगा। अगर मैं 10,000 लोकेशंस लूं तो कॉलिजन का चांस और कम होगा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें कैसे बीच में ट्रेड ऑफ निकालना है? हम चाहते हैं बहुत ज्यादा स्पेस भी वेस्टेड ना हो, है ना, और स्पेस हम कम रखें बट कॉलिजन भी ना बढ़े। एक ट्रेड ऑफ मैं हर टॉपिक में हमेशा बोलता हूं, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम होल्ड करता है, फाइट बिटवीन टाइम एंड स्पेस। हम हैशिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बचाने के लिए, टाइम या स्पेस? हम हैशिंग पढ़ रहे हैं टाइम बचाने के लिए। तो इसके लिए अब हमें किसका खर्चा करना पड़ेगा? टाइम बचाएंगे तो स्पेस वेस्ट होगा, स्पेस बचाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तब यहां पर क्या ये पॉइंट भी मैं आपको समझा पा रहा हूं कि टेबल बड़ा लेने का क्या फायदा और क्या नुकसान है? अगर आप बड़ा टेबल लेंगे तो कॉलिजन के चांसेस कम है, सो टाइम के हिसाब से बेटर है, लेकिन स्पेस आपका ज्यादा लगेगा। अगर आप स्पेस कम लेंगे तो कॉलिजन के चांसेस ज्यादा हैं। तो
तो हैशिंग और टाइम के हिसाब से बेकार है, बट ऑब्वियसली स्पेस आपको ऑप्टिमाइज हो जाएगा. तो वी हैव टू फिगर इट आउट, वी हैव टू सर्च अ वे कि कितना वैल्यू हम ले जहां पर ज्यादा खर्चा भी ना हो लेकिन बिहेवियर भी हमें सही मिले. क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड हैश फंक्शन, वेयर वी हैव अ सेट ऑफ कीज और हमें उन्हें मेमोरी लोकेशंस में मैप करना है, जैसे भी हमने किया था, फ्रॉम आधार नंबर टू लोकेशंस और के टू एल. इन सिंपल टर्म्स, हैश फंक्शन मैप अ बिग नंबर और अ स्ट्रिंग इनटू अ स्मॉल इंटीजर दैट कैन बी यूज एज अ इंडेक्स टू अ हैश टेबल. तो जैसे हमने किया 12 डिजिट के, अच्छा ये कितना बड़ा नंबर हो सकता है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं. वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक, 10 लैक, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़. तो ऑब्वियसली हमने इतना बड़ा आधार नंबर लिया, कभी इंडिया की जनसंख्या 10,000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है क्या? अभी के लिए तो ये अनइमेजिनेबल है. 10^12, isn't it? तो आने वाले कम से कम 2-4 हजार साल तक तो मुझे नहीं लगता है नंबर रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को, है ना? उसका ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि हम अर्थ पे ही रह रहे हैं. कल को अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाएं और वहां पर भी फिर क्या हो, वहां पर भी हिस्से बटेंगे, जो देश पहले जाएगा वो कुछ कुछ जमीन अपने पास रखेगा, फिर वहां लड़ाइयां होंगी. क्या ऐसा हो सकता है ऐसे 500 साल बाद मार्स पे लड़ाइयां हो रही हो? बहुत बहुत अजीब बात नहीं हो सकता? 500 साल ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे भी पहले, है ना? और वहां पर भी हमारी कुछ जगह हो इंडिया के पास, तो वहां हम ट्रेवर्स कर रहे हो और हो सकता है जनसंख्या बढ़ती जाए हमारी, मे भी कभी यह हो सकता है 10^12 हम क्रॉस करें, बट फिलहाल तो ये नंबर बहुत बड़ा है. ठीक है, तो अगेन पॉइंट है कि आपको लोकेशन इतनी लेनी होगी सो दैट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है, एरे दैट स्टोर पॉइंटर रिकॉर्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सर्च की, और बाकी जो एंट्रीज होंगी वो खाली होंगी, जहां जहां वैल्यू आ रही है वहां हम पॉइंट करेंगे वरना नील करेंगे. रिलेटिव की शादी में अर्थ पे आएंगे. अच्छा, लेकिन शादियों में फिर भी मतलब खाना खाने के लिए अर्थ तक आ जाओगे, अबे वहीं खा लेना, कितना पैसा लगेगा? सर मैं, सर आपको ऑप्शन मिला तो क्या आप मार्स पर जाओगे? देखिए इंसान जो है उसको हमेशा अलग अलग नए नए एक्सपीरियंस करने में मजा आता है, इजंट इट? वो एक्सपीरियंस अच्छे हो या खुशी दे या ना दे, वो डिफरेंट बात है. अब अगर जाने का मौका मिला और फ्री हुआ और सेफ हुआ तो जरूर जाऊंगा. दो तीन कंडीशन लगा देता हूं, इट मस्ट बी फ्री, या चलिए कुछ पैसे तक अगर मैं पॉसिबल हुआ फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत महंगा टिकट होगा ये बात तो तय है, और सेफ होना चाहिए, ऐसा नहीं आप मुझे वहीं छोड़ा है. अच्छा ये आप क्या बोल रहे हैं सर, डाउट? और आपका डाउट ऐसा, इसमें इतनी स्पेलिंग मिस्टेक है कि मुझे समझ नहीं आ रहा. सर डाउट, सिट, जैब, इली, नंबर, मिलेगा, थो, कॉलिजन, क्यों होगा, क्या पढ़ूं मैं इसको, बताओ, दोबारा लिखो इसको, राइट इट अगेन, एक बार देखना. आप शॉर्टकट ना यूज करो, बिकॉज मेरे को नहीं शॉर्टकट समझ आ रहे होते. सर विल पीपल ऑफ मार्स हैव डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम? हो सकता है, अभी तो हमने सारी एस्ट्रोलॉजी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में लिखी है. रिलेटिव
नहीं, आई ट्राई टू सॉल्व वन और टू मोर क्वेश्चंस। हाँ हो सकता है मंगल के लोगों पर अर्थ भारी रहेगा। चलो आप मजाक कर रहे हो, इतने आप वो क्वेश्चन बताना। अब यहां पर जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है सर, एक ही, अच्छा इली पहले आपने लिखा था, अभी लिखा है एक ही नंबर अगर सर्च कर सकें, शायद आप लिख रहे हैं कर सकें, अगर 1257 तो एक ही नंबर रहता था ना जो कॉलिजन। मेरी समझ से परे है ये, मैं विश्वास मानिएगा मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, और पूरे पूरे ध्यान से मैंने पढ़ा, बट मुझे अब भी नहीं समझ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। एक बार दोबारा लिखिए। ओके अच्छा, अब यहां पर जो सबसे पॉपुलर हैश फंक्शन है, जो सबसे पॉपुलर हैश फंक्शन है वो कौन सा है? दैट इज मॉड फंक्शन, जिसका आप में से कई लोग जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसीलिए मैं डायरेक्ट पहले आपको मॉड फंक्शन पे नहीं लेके आया समझाने के लिए। कुछ लोग हैशिंग को ऐसा समझ लेते हैं, हैशिंग मतलब मॉड फंक्शन, क्या ऐसा है क्या कि हैशिंग है तो मॉड फंक्शन से होगा? नहीं। सो दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी, बट ऑब्वियसली वी कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? ओके तब यहां पर गेम क्या होगा? अगेन अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखेंगे। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, आप बताओ टेबल में कितने लोकेशन लेने हैं, जैसा आप बोलो वैसे कर लेता हूँ, 10 लोकेशंस लेने हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन इंडेक्स। अच्छा रुक जाओ भाई, अगर 57 सर्च करें हम 12 डिजिट में क्यों कॉलिजन होगा? अच्छा मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहले आप एक बात समझिए, जो मैं भी यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था कि 10 डिजिट, अगर 10 लोकेशंस आपको लेने हैं, तो इफ आई स्टार्ट नंबरिंग तो मैं 0 से 9 तक जा सकता हूँ, या फिर इंडेक्सिंग के हिसाब से चले 1 से 10 तक। दो ही फंडामेंटल लॉजिक है कंप्यूटर साइंस में। 10 लोकेशंस आपने बोला, सो आइदर यू कैन गो फ्रॉम 0 to 9 और 1 to 10। तो अब यहाँ पे एक सबसे साधारण हैश फंक्शन क्या हो सकता है? आप जो भी की दोगे मैं उसको डिवाइड करूंगा 10 से। अब जब मैं किसी भी वैल्यू को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का रेंज क्या होगा मुझे बताओ? रिमाइंडर कैन गो फ्रॉम 0 to 9। अगर किसी भी चीज को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जाएगा 0 से 9 तक। यस और नो? यस। तो बस ये हमारा हो गया हैश फंक्शन। आप कोई भी डिजिट दो, मैं आपको घूम फिर के इसी टेबल के किसी ना किसी इंडेक्स पे पॉइंट करा दूंगा। +1 वाला ऑप्शन क्यों दिया है? अगर कोई इंडेक्सिंग 1 से 10 कर रहा तो भाई जो आज रिजल्ट आया उसमें +1 कर लेना। तो 0 से 9 में +1 करोगे तो रेंज 1 से 10 तक हो जाएगी। यस। अच्छा एक बात, अब ये जो पूछ रहे थे मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। देखिए 12 बिट का नंबर है, कॉलिजन क्यों हुआ? क्या मैं ये बोल रहा हूं कि दो लोगों का आधार नंबर सेम हो सकता है? मैं ये नहीं बोल रहा, बट टेक्निकली क्या आपके कंपनी में तो 100 एम्प्लॉय है ना, तो क्या आपको 12 बिट का आधार नंबर यूज करना जरूरी है? नहीं। इसलिए हमने सिर्फ 2 बिट का नंबर लिया, लेकिन क्योंकि 2 बिट का नंबर सिर्फ ले रहे हैं, या 2 डिजिट बोलना चाहिए, बिट नहीं डिजिट, 2 डिजिट ले रहे हैं, तो वहां पर तो कॉलिजन का चांस है कि नहीं? कि आधार वाले इस बात की भी गारंटी करते हैं कि ये 2 डिजिट बीच में हर किसी की डिफरेंट होंगी, इस वजह से कॉलिजन हो रहा है। 12 12 बिट के 2 नंबर सेम नहीं है, लेकिन हम वो टोटल नंबर कंसीडर भी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 2 नंबर कंसीडर कर रहे हैं, 2 डिजिट कंसीडर कर रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ आ रही है क्या? ओके
ओके okay. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक बहुत साधारण क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ताकि ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ डिवीजन वाली बात, ये आपको समझ जाए. सर, 27, 17, 37, 47, 57 मॉड 10 करेंगे तो फिर क्या होगा? कॉलिजन आएगा. बिल्कुल कॉलिजन आएगा. देखिए, अभी तक मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कॉलिजन आएगा कि नहीं आएगा. बिल्कुल कॉलिजन आएगा. वो कॉलिजन हैंडल कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे. बट बिल्कुल, जो ऐसा आप सिनेरियो बोल रहे हैं, अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो कॉलिजन आएगा. बट अगेन, इफ यू टेक रैंडम नंबर्स, क्या आपको लग रहा है कि ऐसी सीक्वेंस मिलेगी रियल लाइफ में? नहीं, हर चीज की पॉसिबिलिटी कम है, हर चीज एकदम रैंडम होती है. फॉलो कर पा रहे हैं? मैं एक काम करता हूँ, मैं एक साधारण क्वेश्चन बिल्कुल पूछता हूँ और आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा. लुक एट दिस, पुराना है बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ सिंपल वन. गेट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक नंबर में. इट इज अ गेट 2004 वन मार्क क्वेश्चन. इसको जरा ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं आंसर क्या होगा. गलती से क्लिक हो गया, कोई बात नहीं. फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत साधारण क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया. गुड टू सी दैट. 1%, सॉरी 2%, 5%, 93%, 0%. गिवन द फॉलोइंग इनपुट, नाउ दीज आर द नंबर्स एंड द फंक्शन एक्स मॉड 10. तो फंक्शन की डेफिनेशन तो अभी आप समझ पा रहे हैं, एक्स मॉड 10 यानी कि 10 से डिवाइड करना जो रिमाइंडर है वो आंसर है. तो अगेन, अगर मैं एक बार वैल्यू बनाऊं तो आप 10 से डिवाइड करोगे, रेंज बताओगे कितना आएगा. अगेन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो ऑब्वियसली 2 वाले पे कौन आएगा? 4, 3, 2, 2. नाउ 1, 1, 1, 3, 3, 4 विल गो टू 4. 1, 4, 7, 1 विल गो टू 1. 9, 6, 7, 9 will go to 9. 1, 9, 8, 9 will also go to 9. 6, 1, 7, 1. Oh, sorry. 6, 1, 7, 1. Here it will come. And then 6, 1, 7, 3. Here comes 6, 1, 7, 3. And then 4, 1, 9, 9. अब सारे के सारे वैल्यूज हमने लिख लिए, कहाँ कहाँ मैप होंगे. ऑब्वियसली क्या कहीं पे कॉलिजन हुआ है? जी हाँ, एक कॉलिजन हुआ है इंडेक्स नंबर 1 पे और एक कॉलिजन हुआ है इंडेक्स नंबर 9 पे. क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं आप? ओके, अब देखिए लिखता है 7, 9, 8, 9, 9 हैज टू द सेम वैल्यू. बिल्कुल सही बात है, नजर भी आ रहा है आपको और बहुत साधारण सी बात इसने की है. 1, 4, 1, 4, 7, 1, 6, 1, 7, 1 also has to same value. Yes, this is also correct, no doubt at all.
ऑल द एलिमेंट्स हैश टू द सेम वैल्यू. नहीं ये गलत है. क्या सारे एलिमेंट सेम हैश या सेम इंडेक्स पे आ रहे? नहीं ऐसा नहीं है. एंड ईच एलिमेंट हैशेस टू डिफरेंट वैल्यू. ये भी गलत है. ना सब सेम पे आए हैं ना सब अलग अलग पे गए हैं. कुछ का कॉलिजन हुआ है कुछ का कॉलिजन नहीं हुआ है. तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड. तो यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है हैशिंग का. अगर बेसिक आपको ऑब्जर्व करना है तो मुझे बताएं एक बार फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब यहाँ पे मैंने बेसिक्स आपको बताया है. इसके बाद आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप ट्राई कर सकते हैं. हालांकि कॉलिजन अगर होता है कॉलिजन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल. तो कल आई विल बी कंप्लीटिंग दिस एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग सी. सी के बेसिक्स पॉइंट्स हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे. और यहाँ पर इवनिंग में आज एज यूजुअल जैसे हम चल रहे हैं विल बी स्टडिंग ग्रुप थ्योरी एंड विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चन फ्रॉम प्रपोजिशंस. यस सी की पीपीटी में अपलोड कर दो. ओके ऐसा मैं कर सकता हूं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. उसमें मैंने पहले सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं. यार ऐसे नहीं कर पाऊंगा. मैंने चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज किया हुआ है. मैंने चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज किया है तो 8-10 अलग अलग चैप्टर उसमें टाइम लगेगा. कल की क्लास में अपलोड कर दूंगा या मैं ग्रुप में डाल देता हूं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं. यस चलिए ओके थैंक यू सो मच.